वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलो एक बार पूरे पॉजिटिव एनर्जी से हो जाए जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा बहुत अच्छा हो होगा आए हम कुछ अच्छा, अच्छा करने।, करने तो इस बार ऑडिट में भी ऑडिट में भी सो दोस्तों चलिए आज से आपके सेकंड ग्रुप के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं जिस तरह से आपने फर्स्ट ग्रुप में मेहनत की सारे क्लासेस किए सुबह से शाम तक उसी मोड में आपको उसी मोटिवेशन में आपको सेकेंड ग्रुप में भी अपने सारे क्लासेस कंप्लीट करना है यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एग्जाम दे के आए हैं अब मैं आपको यही कहूँगा कि एग्जाम का रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा ज़्यादा सोचना नहीं है ठीक है अब पूरी मेहनत के साथ बिड़ जाओ फॉर ग्रुप ठीक है और ये टारगेट रखो कि रिज़ल्ट आने के पहले आपका ग्रुप टू बहुत अच्छा हो जाए सो so दैट कि रिज़ल्ट अगर फॉर्चुनेट आया तो खुशियाँ मनाना <laughs> कि अच्छे से ग्रुप टू रिवाइज कर लेना और कोई रीज़न की वजह से अनफॉर्चुनेट आएगा तो ऐसे केस में बिल्कुल भी आपको हिम्मत नहीं हारना है ठीक है मैं इतना ही कहना चाहूँगा और देखो बेटा आप इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम दे रहे हो ओके तो दोनों पॉसिबिलिटी है लेकिन हमने अपनी पॉजिटिव सोच ही रखना है इट क्लियर तो चलिए दोस्तों मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है कि आप ग्रुप टू बहुत अच्छा करोगे नाउ uh, यहाँ आज यहाँ सी ए रवि टावरी सर आपके सामने हैं जो हमारा ऑडिट का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो इनका वी स्मार्ट में ये सेकेंड बैच है सेकेंड बैच है ना आपका वी स्मार्ट में तो वी स्मार्ट में ऑडिट सर का सेकेंड बैच है पर मैं आपको सर के बारे में बता दूँ तो यहाँ सर लास्ट फिफ्टीन ईयर से ऑडिट uh, पढ़ा रहे एट फाइनल लेवल एंड एज वेल एज एट इंटर लेवल ओके इनका टीचिंग एक्सपीरियंस नागपुर में पुणे में पिछले पंद्रह साल में रह चुका है और आपको ये बता दूँ कि मोर देन यहाँ पर इन्होंने सिक्सटी सेवेंटी बैचेस जो है ओके रेगुलर बैचेस ली है और यहाँ कंटीन्यूस यहाँ आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन बैचेस में स्टूडेंट्स को ये हेल्प कर रहे हैं और अच्छी बात आपको ये बताओ तो ये ऑल इंडिया रैंक 46 रह चुके हैं एट सी इंटर लेवल तो आपको रैंक में आना है यस और नो और यहाँ पे बिग फोर में इनकी आर्टिकलशिप हुई है और ऑडिट में इनका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है तो दोस्तों बस मैं आपको ये एश्योर करूँगा कि जैसे वी स्मार्ट में आपको सारे सब्जेक्ट की कोचिंग जो मिली है ये बहुत अच्छी मिली है ये लिगैसी हम ग्रुप टू में कंटिन्यू करेंगे और आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग ग्रुप टू में देंगे तो चलिए मैं अपना माइक हैंड करता हूँ रवि सर को यस रवि सर आपके इसके बाद कंटिन्यू करेंगे और यस yes, एंजॉय करो क्या ओके यस थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर बस मैं इतना ही बोलूंगा सर के प्रेजेंस में कि जो क्वालिटी एजुकेशन आपने ग्रुप वन में विशाल सर जय सर शुभम सर के साथ एंजॉय किया है बिल्कुल वैसा ही इनफैक्ट कोशिश करूंगा कि उससे थोड़ा बेहतर और कोशिश कर सकू तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ ग्रुप टू के अंदर भी गाइज इट्स गोइंग टू बी मेमोरेबल जर्नी एंड लेट मी अश्योर यू कि मैं आप लोग को ऑडिट में चैंपियन बनाकर छोड़ूंगा एंड नॉट जस्ट ऑडिट आपका जो ओवरऑल प्रिपरेशन है देखो मैंटरशिप मेरा बहुत ही प्यारा दिल के बहुत करीब है सर से मैंने बहुत डिस्कस किया इसको लेकर हम मैंटोरशिप प्रोग्राम चला भी रहे हैं हमारे बैच के जस्ट बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है लंच ब्रेक सो आई बी ऑलवेज देयर कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस और आपकी स्टडी प्लानिंग इन सब चीज़ों के लिए तो ऑडिट भी हम लोग करेंगे और हम लोग ओवरऑल स्टडीज़ को भी बहुत अच्छा करेंगे बस so, लास्ट में ये कहना चाहूँगा सर से आप जैसे सर का मटेरियल फाडू चार्ट्स है रिवीजन चार्ट्स है उसके बाद में क्वेश्चन एर्स है ओके तो जिस तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में जीएसटी टैक्सेशन में पूरी मेहनत की है उसी तरह से यहाँ सर जो है आपके ऊपर चार्ट्स के लिए राइटिंग प्रैक्टिस ओके आपको याद है हमने राइटिंग प्रैक्टिस में लगभग 200 के आसपास क्वेश्चंस लिखे हैं वैसे ही पूरा कंप्लीट राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ रवि सर करवाने वाले तो आप ऑडिट डेफिनेटली एंजॉय करोगे और ऑडिट में भी इस बार अस्सी बार तो इसी व्यू को इसी मोटिवेशन को आगे लेके चलिए थैंक यू थैंक यू रवि सर थैंक यू सर एक्साइटेड फॉर द न्यू सब्जेक्ट ओके तो ऑडिट को लेकर आप लोगों ने क्या क्या बातें सुनी है पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा <laughs> थेरी सब्जेक्ट है <laughs> बहुत कम मार्क्स मिलते हैं ऑडिट फेल करता <laughs> ओके okay, तो अभी तक के मैं जितनी बातें सुन रहा हूं वो सारी निगेटिव ही सुन रहा हूं थेरी सब्जेक्ट है ऑडिट में कम मार्क्स मिलते हैं ऑडिट फेल करा सकता है कुछ तो पॉजिटिव सुना होगा आप लोगों ने <laughs> एक एक आर्टिकलशिप अच्छा आर्टिकलशिप ऑडिट में करना है ऑडिटर बनना आपका सपना है हाँ क्या स्ट्रैच्यूटरी ऑडिट करना है ओके okay. बहुत सारे ऑडिट होते हैं ऑडिट मेनी विल सी ऑल ऑफ दैट और कुछ हाँ ऑडिट ऑडिट वर्क बहुत ओके <laughs> okay. इसी बात पे डू you know, की ऑडिटर की फीस कितनी है एनी अंदा कोई अंदाजा हाउ मच दे मस्ट बी अर्निंग रिलायंस के पैसे की बात की तो भाई पैसे की बात फिर पहले बता दू मैं एनी वन एक अंदाजा ट्वेंटी फाइव सी आर फिफ्टी सी आर एक कंपनी की ऑडिट फीस में डिस्कस कर रहा हूं वन कंपनी रिलायंस हा गज डेफिनेटली एक कंपनी की ऑडिट फीस है इट इज मोर देन आज केट तो मोर रिवाइज कर करके मोर देन फोर्टी करोरस चालीस करोड़ के ऊपर एक कंपनी की ऑडिट फीस आपको मिलती है बट कंपनी बहुत बड़ी है डेफिनेट इट इज रेमरेटिव अच्छा आपको पता है कि बैंक का हम लोग जब ऑडिट करते हैं बैंक ऑडिट करते हैं तो उसकी फीस कितनी रहा होगी ब्रांच ऑडिटर की बात नहीं करो जो मेन ऑडिटर है एक नॉर्मल कोऑपरेटिव बैंक आप ले लो कोऑपरेटिव बैंक जिसका थोड़ा अगर स्टेट वाइड प्रेजेंस है तो उसकी फीस कितनी रहती होगी एक करोड़ से दो करोड़ सो so, अगर आप टॉप पे पहुंच गए बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको मिलने लग गए तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ठीक है पैसा सबको एक्साइट करता है ना आप बता दो पैसा कितना मिलने वाला है फिर देखो हमारा जोश कैसा है ओके गाइस सो इट हैज लॉट ऑफ मनी अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाए और अपना मुकाम बना ले बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको समझेगा टेक्निकल नॉलेज एक चीज होती है टेक्निकल नॉलेज इज वन थिंग लेकिन अगर आपको सुपर सक्सेसफुल बनना है तो आपको और भी बहुत सारे नॉलेज लगेंगे तो क्लास के दौरान टेक्निकल नॉलेज के साथ और क्या लगेगा वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा गुरमित कर गुरमित हंस रहा है क्यों हंस रहा है क्योंकि मैंने इसको एक शॉर्टकट हमने शॉर्टकट बताया था कि एक ही टिकट पे मल्टीपल मूवीज़ कैसे देखनी है अब मैं आपको आज एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि सिर्फ दो लोग की टिकट खरीदो और दस लोग अंदर जाओ <laughs> <laughs> पहले क्लास का पैसा वसूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चलो डन गाइज सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप और मैं सौ घंटे के ऊपर एक मेक के साथ में बिताने वाले और जो मेरा विजन है कि ऑडिट में चैंपियन भी बनना है एंड वी शुड बी लाइक अ फैमिली आपके ऑडिट सब्जेक्ट में छोटी सी छोटी बात आपको मुझसे डिस्कस करनी इनफैक्ट स्टडीज में भी 1:45 फोर्टी आजकल हमारा नारा है 1:45 फोर्टी जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होती तब तक मैं आपके साथ में बना रहूंगा लिटरली स्पीकिंग इस बार हम लोगों ने 24 फोर इंटू सेवन डाउट सेशन चलाया आखिरी के दो तीन दिन जो थे उसमें ऐसे तो रहते ही हम लोग अवेलेबल लेकिन डाउट आया तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका डाउट सॉल्व कर होना चाहिए वो दो दिन में एक भी मिनट वेस्ट होना नहीं चाहिए चलिए मेरे बारे में कुछ प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें जिससे आपके और मेरे बीच में रिलेशन और स्ट्रांग बने तो यहां पे हम लोग जो बैच है फेस टू फेस बैच है और ऑनलाइन वाले मैं जानता हूं पंजाब दिल्ली, कोलकाता जयपुर ठीक है नागपुर सभी जगह से बच्चे जुड़े हुए हैं मैं उनको भी अश्योर करूं आपके लिए इस बार हमने बहुत स्पेशल चीज की है जो ऑनलाइन वाले हैं अभी तक के सिर्फ टेक्स्ट से डाउट पूछ सकते थे अब टेक्स्ट के साथ साथ आप ऑडियो से भी डाउट पूछ सकेंगे पूरा जो जूम का सेटअप होता है बट डेफिनेटली जूम का जो सेटअप होता है वो हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी दो तीन दिन यूट्यूब चलेगा उसके बाद में वी स्मार्ट का जो सेटअप है वो हम लोग शुरू करेंगे टेंथ ऑफ फैब इज द डेट वी आर टारगेटिंग लेकिन इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन लगेगा आपका मुझे आर यू रेडी टू वर्क हार्ड विथ मी यस नो अगर आपका जबरदस्त कोऑपरेशन मेरे साथ है तो बहुत ही मस्ती में पूरा जोर लगाकर टेंथ फेब तक एक एक कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू को हम लोग मास्टर करेंगे और यह बहुत जरूरी इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपकी बैच आप लोगों को पता है थोड़ी लेट शुरू हुई है यस yes, नो no. कितने दिन लेट शुरू हुई है अराउंड वन मंथ मैं बताऊं क्यों? जनरली विद इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ ऑगस्ट बैच शुरू होती थी इस बार हुई ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट ऊपर से ये जो सेकंड हाफ होता है इसमें दिवाली आती है तो उसमें सात दिन की छुट्टी फर्स्ट हाफ में नहीं आती तो आपकी बैच ऑलरेडी एक महीना पीछे चल रही है इसलिए टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू है एज कंपेर टू अदर बैचेस ठीक है तो इसलिए हमको हर मिनट बहुत अच्छे से यूज करके चलना होगा इसलिए हमने फेब फेब डाला है क्योंकि अगर ये के जगह अगर गलती से किसी का टेंथ मार्च हो जाए इट इज गोइंग टू इफेक्ट अलॉट यहां पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस बैच में बस बह रहे बह रहे बहते ही जा रहे ऐसा हम अफोर्ड कर नहीं सकते करेक्ट नाउ क्लास में डेली हम लोग सबसे पहले रिविजन करेंगे देखो एक खास बात इसके पहले मेरे दो लोकेशन हुआ करते थे जो बच्चे एक, आ, मुझसे बात कर चुके उनको मैंने बताया भी है फिर से सुन लेंगे दो लोकेशन हुआ करते थे तो मेरे ऊपर टाइम कंस्टेंट था इनको भी पूरे कॉन्सेप्ट बताना है उनको भी पूरे कॉन्सेप्ट बताना है, सब कुछ करना है बट दिस बैच इज गोइंग टू बी स्पेशल स्पेशाइनल टू का कॉल कि भाई पूना को अपना बनाना है एंड आई शिफ्टेड कंप्लीटली टू पुणे यहाँ पे टूट टाइम कंस्टेंट ऐसा नहीं है मेरे ऊपर तो हर बैच में हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे पहले का अपने चार्ट्स देखेंगे पूरा थेरी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे क्वेश्चंस और एमसीक्यू करेंगे ठीक है तो सभी चीजें और क्लास के क्लास में सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्लास के क्लास में ही करने की हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छी बात है रैंक होल्डर एंड हैव वर्क ऑटो स्कूपर्स इट्स वन ऑफ द बिग फोर बिग फोर पता है आप लोगों को आई एम सो हैप्पी पता है मेरा जब रैंक आया था ना तो तब मुझे नहीं पता बिग फोर क्या होता है सो आई फील द प्रेजेंट जनरेशन इज मोर नॉलेजेबल मोर अवेयर करेक्ट इनफैक्ट ये बहुत सी बार सीनियर्स बोलते अरे ये बच्चे ना ये नहीं करते वो नहीं करते बट आई फील यू आर सुपर इंटेलिजेंट यू आर मच मोर इंटेलिजेंट देन अस, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन तुम स्मार्ट बहुत हो इंटेलिजेंट बहुत हो बहुत फास्ट पकड़ते हो चीजों को लेकिन प्रॉब्लम यह है इतने डिस्ट्रैक्शन है बहुत सी बार बच्चों के था था पढ़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है डिस्ट्रैक्शन <laughs> के बीच में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ओके एनी वेज सर वर्क पीडब्ल्यू सी मुंबई ऑफिस इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ये मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा लिस्टेड कंपनीज में निकलस पिरामल बहुत फेमस कंपनी है उनका ऑडिट किया है बेयर क्रॉप साइंस बेगॉन को भी सुना आप लोगों ने ठीक है आप लोगों ने मोर्टिन और ये बेगोन इज अगेन ठीक है मॉस्किटोज और बाकी सब रेपेलेंट होता है तो बेयर क्रॉप साइंस बहुत बड़ी कंपनी है फर्टिलाइजर्स के अंदर और मॉस्किटोज और बाकी इंसेक्ट्स के लिए रेपेलेंट भी बनाती है हचीसन एसआर अभी वोड़ाफोन है अभी वोड़ाफोन है तो इनकी जो कंपनी है इनका भी ऑडिट किया है तो केमिकल इंडस्ट्री में भी एक्सपीरियंस रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी एक्सपीरियंस रहा है टेलीकॉम कंपनी में भी एक्सपीरियंस रहा देन इंटरेस्टिंग सोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मीडिया इंडस्ट्री देखो नाम लेते से ही मेरे मुस एकदम मुस्कान आ गई करेक्ट मीडिया मतलब ग्लैमर तो बहुत ग्लैमरस हमारे ग्रुप के अंदर बहुत ग्लैमरस ऑडिट भी थे उसमें सोनी था सो मोमेंट यू एंटर द ऑफिस कोई ना कोई सेलिब्रिटी तुमको रोज मिल ही जाएगा एंड एवरी सैटरडे दे आर गोइंग टू हैव पार्टी सिर्फ ऑडिटर को इन्वाइट नहीं करते थे एनीवेज बट देन मीडिया इंडस्ट्री का भी ऑडिट किया है आज फिर सफीलो अगेन जितने बड़े बड़े ब्रांड्स है अक्रॉस इंडिया आपके सन ग्लासेस के रेबन एक्सेट्रा पूरे इंडिया के लिए इम्पोर्ट सफीलो करता है उनको ऑडिट किया है लैंसेस केमिकल यूनिट अगेन एस आर स्टील अब आर्सल मित्तल हो चुका है नाम सुना जब हम इनका ऑडिट करते थे पैतीस तो हजार करोड़ का इनके ऊपर लोन था फाइव थाउजेंड करोड़ और हमको किसने अपॉइंट किया था एसबीआई और आईडीबीआई ने प्लीज जाके कर चेक करो हर क्वार्टर ये पैसे का करते क्या है ये कहां पे रूट कर रहे हैं? एसआर वाले पैसा उठाते थे स्टील के लिए शिपिंग में डाल दिया पैसा उठाया स्टील के लिए टेलीकॉम में डाल दिया तो हमको जाकर रिपोर्ट करना पड़ता था कि भाई क्वार्टरली फंड्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है ये सारे एक्सपोजर्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा फॉरेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कोई बता सकता है क्या होता होगा फॉरेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉरेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर कोई कंपनी की सब्सिडरी इंडिया में है ओके okay, आई बहुत अच्छा बोला कि इंडिया में कंपनी है जो फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस में होल्डिंग को भेजने पड़ते होंगे जर्मनी में होल्डिंग को भेजने पड़ते होंगे और कुछ एनथिंग एल्स फॉरेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलो ऐसे शर्माओ नहीं अगर आप आज नहीं बोल सकते अपने क्लास के स्ट्रेंथ में तो कल जाके लीडर क्या बनेंगे हम सर आप ईगो हर्ट मत करो हमारा यस सर फॉरेन से फॉरेन से पैसा रेज किया तो फॉरेन पार्टीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने पड़ते हैं ऐसा वेरी क्लोज सही है बोल रहे हैं सब सही है बोल रहे हैं हाँ यस सर टू एटी फोर यस हाँ यस सर नहीं ओके okay, गाइस आप लोगों ने सुना होगा आज की रेट में जो इंडिया की कंपनीज है ठीक है इंडिया की कंपनीज है ये इंडियन कंपनीज को आर में सबमिट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने पड़ते हैं साथ में फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड है तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के लिए फॉरेन होल्डिंग कंपनी के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं एस पर आई एफ आर एस इंडिया के अंदर जो बनते होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और बड़ी कंपनीस छोटी कंपनी के लिए ए एस बड़े कंपनी के लिए इंडेस और बाहर है तो आई एफ आर एस तो एक ही कंपनी के मल्टीपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं तो हम उसका भी ऑडिट कर देते आर ओ सी में फाइलिंग करना है ऑडिट हम करेंगे इंडिया के बाहर फाइलिंग करना है उसको ऑडिट भी हम करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग कैसे एक ही कंपनी के फाइने एक ही कंपनी वही साल लेकिन प्रॉफिट अलग अलग एसेट लाइब्रिटी अलग अलग क्योंकि अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग है तो वो भी हमने किया फिर दिल के और करीब आइफा अवार्ड्स। फिल्म इंडस्ट्री के मोर देन फिफ्टी परसेंट जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस सबसे मिल चुके ऐसा नहीं बोल सकता मैं बट देन आइफा अवार्ड्स की जो वोटिंग होती थी उसके ऑडिटर्स प्राइज वॉटर्स कूपर्स थे और बॉस बोलते थे हाँ जो जो गुड बुक्स में बॉस के तुम जाओगे आइफा अवार्ड्स तो एक पूरा चैम्बर रहेगा सिर्फ ऑडिटर्स रहेंगे और सारे सेलिब्रिटीज वहाँ आकर वोटिंग करेंगे तो मिला ऐसा नहीं बोल सकता हूँ लेकिन उनको गाइड किया कि वोटिंग कैसे करना है आइफा अवार्ड्स अप्सरा अवार्ड्स ये सब सुनने के बाद लोग एक्साइटेड होते हैं कि मुझे भी आर्टिकल शिप करनी है आई विश आप लोग बहुत मज़ा है मोर देन फिफ्टी परसेंट सिक्सटी सेवेंटी परसेंट आर्टिकलशिप में बहुत मजा आता है बेचारे एक आध दो फंस जाते हैं ठीक है नाउ नॉट जस्ट दैट देन आई हैव वर्कड एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ठीक है कुछ नया करना है बड़ा करना है रुक ही नहीं रहे रहते पीडब्ल्यूसी होने के बाद दो साल के बाद स्टैंडर्ड चार्ट म्यूचुअल फंड में मैंने एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काम किया एंड दैट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरा बॉस था सुयेश चौधरी ही इज़ अ बिग फंड मैनेजर टुडे आई एम लखनऊ से जस्ट ग्रेजुएट करके ही वॉज मैनेजिंग फंड ऑफ टू हंड्रेड तो वो था छब्बीस साल का और मैं था इक्कीस साल का तो एकदम चिल एटमोस्फियर में सो वर्क विथ हिम फिर उसके बाद फाइनल की एग्जाम होने के बाद खाली कैसे बैठ सकते हैं तो हम लोगों ने दोस्तों ने अपने असाइनमेंट्स लेना शुरू कर दिए सो वी साइड वर्किंग विद स्टार्टअप्स बहुत ही अभी बंद हो चुका वो स्टार्टअप लेकिन मोबाइल मैजिक करके बहुत जबरदस्त स्टार्टअप था उनके साथ काम किया उनके बुक्स रेक्टिफाई किए सो गाइज दैट वॉज माई इंट्रोडक्शन ताकि आपको पता हो कि मेरे एग्जाम्पल्स कहां से आ रहे हैं और मैं क्यों आपको क्या बता रहा हूं और कैसे बता रहा हूं ऑडिट में एक सबसे सॉलिड सोल्यूशन है अगर आपको ऑडिट सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील करना है यू वांट टू लव दिस सब्जेक्ट आपको चौके छौक के हैं, आपको अस्सी बार जाना है लिखो वेरी सिंपल लिखो अगर आपने रोज एक आंसर लिखा यू आर किलिंग इट मैं कुछ बच्चों से मिला जिन्होंने ग्रुप वन में करके दिखाया दे स्टार्टेड राइटिंग रोज लिखो भले ही इसके अंदर आपका आधा घंटा जाए 45 फाइव मिनट जाए भले ही कुछ कॉन्सेप्ट कम पढ़ो मैं बताता हूं बच्चे क्या करते सर मैं वो आज का रिवाइज कर लेता हूं आज की थेरी देख लेता हूं क्वेश्चन देख लेता हूं और फिर किसके लिए टाइम नहीं बचता लिखने के लिए मैं बोलता हूं उल्टा करो पहले लिखो आज का आंसर लिखो उसके बाद जो पढ़ना है पढ़ो एकदम सिंपल रूल आपको बताता हूं रोज एक क्वेश्चन पूरा पढ़ना है समझना है याद करना है और अगले दिन लिखना है घर जाने के बाद सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो वो आंसर लिखना है उसके बाद, बाद में की पढ़ाई अगर आपने बहुत सिंपल रूल बना दिया करेक्ट मैं आपको क्योंकि तीन घंटे में आपको करना क्या है सिर्फ तीन घंटे में करना क्या है और सबसे कम प्रैक्टिस किसकी करते लिखने की मतलब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप भी कितने भी नॉलेजेबल हो कितने भी प्रतिभाशाली हो कुछ भी हो अगर तुमने लिखा नहीं तो क्या मिलेगा भाई सालों से यह चल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट लिखना है और सबसे कम प्रैक्टिस किसकी करते लिखने की इट इज टाइम दैट वी चेंज इट हम क्लास में भी लिखेंगे सबसे ज्यादा ऑडिट में हम कुछ करेंगे तो लिखेंगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एक बार एग्जाम्पल और इमिडिएटली लिखना शुरू करेंगे जितना लिखेंगे उतना हम लोग कंफर्टेबल बनेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे बारे में बताया और अपने अप्रोच के बारे में आपको बता रहा हूं गाइज ऑडिट के अंदर जो एग्जाम्पल कॉन्टेंट जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दैट इज गोइंग टू बी फाइनेस्ट वाई आई टीच ओनली ऑडिट मेरी दस लोगों की टीम है जो मेरे साथ में काम करती है नागपुर में बैठ के वी आर फोकस्ड only एंड ओनली ऑन ऑडिट एंड दैट इज अज इम्पैक्ट ये क्लास के पहले मेरी और कोई दूसरी क्लास नहीं है इसके बाद मेरी कोई दूसरी क्लास नहीं है और मैं पूरा टाइम सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया That's why I feel this particular batch is going to be super special। और इस वजह से जो कंटेंट भी हमने रेडी किया मैं आपको बताऊंगा दैट इज गोइंग टू फाइनेस्ट नॉट मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया नॉट सेकेंड टू एनी हो सकता है कहीं पर अब इक्वल बोल दो वट नॉट सेकंड टू एनी वन करेक्ट हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बुक्स के जरिए वीडियोस के जरिए इंटरफाइल में ट्वेंटी थाउजेंड स्टूडेंट्स मेरा प्रॉब्लम क्या पता आपको मेरे बाल बहुत काले हैं <laughs> मैं आपको बता रहा हूं मेरा प्रॉब्लम है कि मैं सीनियर नहीं दिखता करेक्ट किसी को बोलू पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है कुछ भी चल झूठे करेक्ट लगता है क्या आप लोगों को सो गाइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है अपना एक्सपीरियंस आपके दिमाग में डालूंगा ट्वेंटी थाउजेंड स्टूडेंट्स ना कितने लोग को टेंथ में सेवेंटीज में थे या उससे कम थे टेंथ में सेवेंटीज है उससे कम मैं सबको विश्वास देना चाहता हूँ बन सकते हो कि मैं भी बना हूं ट्वेल्थ में 93 थे 20 परसेंट का इंक्रीज था आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ओनली वन रीजन सिर्फ एक रीजन की वजह से मेरी संगत 10th में इन हॉस्टल वहां पे मटर गश्ती सिर्फ खेलना स्पोर्ट्स में ध्यान था टाइम पास फुल टाइम पास इतना टाइम पास में इतने बच्चों की नींद उड़ाई होंगी मैंने और ट्वेल्थ में जैसी आया मेरे आजू बाजू सारे के सारे सुपर इंटेलिजेंट पढ़ने वाले दैट ओनली वन चेंज इंक्रीज माई मार्क्स फ्रॉम सेवेंटी थ्री टू नाइनटी थ्री आई वॉज डिस्ट्रिक्ट टॉपर एक मार्क से डिस्ट्रिक्ट uh, टॉपर एक मार्क से रैंक गया नागपुर में इन माई फर्स्ट एग्जाम जो अभी सी ए फाउंडेशन है अगेन डिस्ट्रिक्ट टॉपर एंड रैंक होल्ड इन पी टू एक ही दुख था मेरे को हमेशा मैं हमेशा सेकंड नंबर पर रहता था मेरे से पहले कोई ना कोई लड़की रहती थी अच्छा वो चेंज होती रही बट देन ठीक है चलिए मैं शेयर करता रहूंगा मैं सभी लड़कों को बोलना चाहता हूं यहां पे अगर लड़कियां दस मेहनत करती है तो तुमको बीस करने की जरूरत है बोलो क्यों आर्टिकलशिप के लिए मैं सब जगह पे मेरा रिज्यूमे देकर आया मुंबई में और रैंक होल्डर था तो के ऑफिस मेरे को याद है दिया और मैं बोला प्लीज मेरे को सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेना सिलेक्ट करो मत करो तुम्हारी इच्छा जस्ट कॉल मी फॉर इंटरव्यू एटलीस्ट आई डिजर्व अ इंटरव्यू इंटरव्यू तो चलेगा ना भाई कुछ नहीं हुआ दस दिन के बाद फिर से गया अब कॉल भी नहीं किया फिर से गया मैं तो बोले हमने तो अपॉइंटमेंट कर दिए कर दिए तुमने अपॉइंटमेंट कर दिया बुलाया भी नहीं मेरे को एक भी बार तो मैंने काउंटर पे था किसको अपॉइंट किया बोले हाँ बोले मेरे पास 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 ही पड़े जस्ट जस्ट जो हुए और सारी कन्या है मैं बोला मेरे को एचआर हेड से मिलने का है देखो नहीं सही मिलने दो मैंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया मैंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि प्लीज मुझे एक बार मिलने दो तो मैं जाके मिला विद ड्यू रिस्पेक्ट आई जस्ट वांट टू आई एम न्यू टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैंने इतना प्यारा रेज्यूमे बनाया बॉन्ड पेपर पे प्रिंट लिया तुमको तो दिया मैं पर्सनली आया देने के लिए मैंने फॉलो अप किए और तुमने मेरे को बुलाया भी नहीं तो बोले रिलैक्स पानी पियो बोले हमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक रेशियो मेंटेन करना पड़ता है लड़के और लड़कियों के बीच में सिर्फ लड़के लड़के रहेंगे तो जंगली बन जाएंगे जंगली और सिर्फ लड़कियां लड़के, लड़के रहेंगे तो इतनी झगड़ेंगी इतनी झगड़ेंगी <laughs> तो बोले इतनी झगड़ेंगी कि दिक्कत हो जाएगी सो वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस और हमारे रेशियो में लड़कियां कम थी तो हमको लड़कियों को बढ़ाना था इसलिए उनको ही हमने इन्वाइट किया उनका इंटरव्यू उनको अपॉइंट किया तो इट इज नथिंग पर्सनल वो लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए

औरी क्या हुआ बोला ऐसा हो गया रिवॉल्यूशन के लिए कर। कर और मैंने उसकी बात सुन ली कर दिया उसी दिन। दुनिया सी ये एक दिन बनी मैं एक दिन बना आई क्लियर और ज्यादा दस मार्क बढ़ा दिए बोले आप को कोई गिले नहीं। नहीं बोलना कोई कोर्ट नहीं केस नहीं करना बस लिख के दे दो यू आर डन छोड़ो बट देन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन गाइज आप कितने भी इंटेलिजेंट हो आप कितने भी स्मार्ट हो उस एग्जाम के लिए अगर आपको अच्छा करना है तो उसके लिए तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए यू कैनॉट टेक एनी एग्जाम ऑफ सी ए या फिर एनी एग्जाम ऑफ लाइफ फॉर ग्रांटेड ओनली बिकॉज यू हैव अचीव समथिंग इन पास्ट गारंटेड है कि अभी भी अचीव करोगे ऐसा नहीं है यस यू कैन लर्न फ्रॉम दैट अगर जिस दिन आप भूल गए कि आपको सक्सेस क्यों मिला था उस दिन सक्सेस भी आपको भूल जाएगा इंटर में सक्सेस सिर्फ एक चीज की वजह से मिला था मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी रैंक लाने के लिए मैं साइंस स्ट्रीम से हूं कितने लोग इधर ठीक है तो भाई खुद को कमजोर नहीं समझना है और यह बहाना नहीं मारना है। मैं तो साइंस स्ट्रीम से एक ही रीजन था क्लास होने के बाद डेली मैंने सेल्फ स्टडी की और कुछ भी नहीं किया नथिंग एल्स डेली सेल्फ स्टडी कि भाई आज का कॉन्सेप्ट आज क्लियर होना चाहिए और वही फाइनल में गया तो पीडब्ल्यूसी के मोह में पागल हो गया रात को दो बजे आ रहे हैं तीन बजे आ रहे हैं अपने को ऐसा लगा आर्टिकलशिप में इतनी मेहनत करो कि अपन पार्टनर ही बनने वाले सेल्स से दूर की बात है आई मिसेंट ऑफ माई क्लास ऑफ सी फाइनल एंड आई थॉट वो हो जाएगा ना तीन चार महीने में एंड इट डिंट और फिर कुछ दूसरे डिस्ट्रैक्शन भी थे कॉन्सेप्ट की बात कर लो किसी को इंटरेस्ट नहीं है ठीक है वेन आई वॉज परसुइंग सी ए तभी मैं दो लेवल मेरे क्लियर कर चुका था सी एफ यू एस के बट नेवर अपियड फॉर लेवल थ्री फिर मैं टीचिंग में आ गया बोला अभी इसको और क्यों परस्यू करूँ बट देन आई कैन डेफिनेटली गाइड यू इन दैट ऑल्सो सो टू थाउजेंड सेवन आई स्टार्ट टीचिंग आई हैव टॉट अक्रॉस इंडिया चंडीगढ़ डेली कोलकाता लखनऊ इंदौर हैदराबाद रायपुर बैंगलोर मुंबई पुणे नागपुर अमरावती अहमदाबाद जयपुर दुबई भी दुबई में भी सी ए इंस्टीट्यूट का ब्रांच है एंड आई हैव टॉट देयर इट अ गुड एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ध्यान देंगे और यार कुछ भी बोलो ऑडिट थेरी सब्जेक्ट है कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यू हैव टू रिटेन यू हैव टू मेमोराइज बहुत ही यूनिक दस अलग अलग तरह की टेक्निक इनफैक्ट मैंने कुछ बच्चों को एक वीडियो भेजा था आप लोगों ने अगर देखा होगा नहीं देखा होगा कोई चिंता की बात नहीं अभी तुम सब देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोग मेमोरी टेक्निक्स की बात करेंगे उसको याद कैसे रखना है और हर लेक्चर का हर लेक्चर का हर लेक्चर का इससे पहले कि आपकी शाम की क्लास खत्म हो आपको हर लेक्चर का ऑडियो रिवीजन मिलेगा दो घंटा बीस मिनट में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है पांच से दस मिनट में डेली रिवीजन मैं मेरी तरफ से जबरदस्त एफर्ट मारने वाला हूं आई एम गोइंग टू पुट माई टू मेरे को यह देखना है कि तुम कितना लगाते हाउ मच यू पुट फ्रॉम यूर साइड ठीक है ये बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम यूज करने वाले हैं लॉट ऑफ टेक्निक्स एक एक करके हम लोग बाद में देखेंगे बुक्स की अगर मैं बात करूं वाई एम गिव बेस्ट इन द इंडस्ट्री लेट मी टेल यू दैट गाइज हम लोगों ने okay Do -do. how come there are two ओके इट इज डन चलिए गाइज खास बात क्या है सबसे पहले तो अपने जो चैप्टर्स है अपने पूरे के पूरे चैप्टर्स पूरे मॉड्यूल के हिसाब से नेक टू नेक मैच चैप्टर वन अपने नोट्स का चैप्टर वन मॉड्यूल का करेक्ट उसके अंदर हमने पार्ट्स बना के रखे हुए हैं क्योंकि कुछ भी बोलो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल अगर कोई है तो वो है मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है उससे नेक टू नेक मैच किया है उसको हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट में बांटा है एंड वेरी इंपॉर्टेंट हमने हर कॉन्सेप्ट को नंबर दिया हुआ है ऑडिट में तेरह चैप्टर्स है तेरह के तेरह चैप्टर्स में पार्ट है और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज गिवन अ नंबर सर इसका हमको क्या फायदा है आपने नंबरिंग करके रखी है हमारा जो पूरा डाउट का डेटाबेस है बच्चे डाउट पूछते कॉन्सेप्ट अराउंड सेवन थाउजेंड क्वेरीज ऑडिट गुरु डॉट इन पे कॉन्सेप्ट वाइज आप कॉन्सेप्ट का नाम लिखोगे नंबर लिखोगे आपको डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत सी बात ऐसे तो आप मुझे क्लास में पूछिए ऑनलाइन पूछिए नेक्स्ट आपकी जो चार्ट बुक है फाड़ू चार्ट बुक अराउंड एट्टी पेजेस में पूरा का पूरा ऑडिट कवर्ड है और ये चार्ट बुक बारह घंटे में बारह घंटे में हम लोग यूट्यूब के ऊपर रिवाइज करते हैं स्पीड बढ़ाओगे तो दस घंटे में ऑडिट आप चार से पांच बार फोर टू फाइव टाइम्स आप रिवाइज करके जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस चार्ट बुक और उसमें मजे की बात चार्ट बुक के अंदर ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा मैं बता दूंगा कॉन्सेप्ट नंबर सेम है हर चार्ट का भी यहां पे क्या है कॉन्सेप्ट नंबर इट इज कंप्लीटली लिंक्ड और उसमें भी खास बात आप यूट्यूब पे जब ये रिवीजन लेक्चर खोलोगे उसकी पूरे टाइम स्टैम पे कॉन्सेप्ट वाइज मतलब पूरे ऑडिट में तेरा चैप्टर में किसी भी कॉन्सेप्ट में कभी भी आपको डाउट आया आपको जाके सिर्फ वो कॉन्सेप्ट नंबर क्लिक करना है एंड यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स एनी टाइम यू वॉन्ट इतने डेप्थ में लिंकिंग कि रेगुलर नोट्स में वही कॉन्सेप्ट नंबर बुक में भी वही कॉन्सेप्ट नंबर यूट्यूब के वीडियोज में भी वही कॉन्सेप्ट नंबर अमेजिंग कंसिस्टेंसी एंड रिविजन पॉसिबल है इसके वजह से नाउ इतना ही नहीं आपके हर कॉन्सेप्ट के बाजू में आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा और एमसीक्यू नंबर पूरी क्वेश्चन बुक हमारी परम क्वेश्चन बैंक पूरी परम क्वेश्चन बैंक और पूरी एमसीक्यू बुक लिंक्ड है हर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे है वो तो बताऊंगा लेकिन आपको कभी भी देखना है कि आज तक सीए इंस्टीट्यूट ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा है कैसा एमसीक्यू पूछा है इट इज ऑल लिंक्ड आई बेट गाइस ऐसी फैसिलिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी एंड अगेन आई एम एबल टू डू इट ओनली बिकॉज आई फोकस ऑन वन सब्जेक्ट पूरा लिंक्ड है ठीक है अच्छा इतना ही नहीं जितने भी क्वेश्चंस है और जितने भी एमसीक्यूज है 90% परसेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के वीडियोज रेडी है गूगल शीट पर विथ नंबर आपको कोई भी क्वेश्चन मैंने बता दिया उसके बाद आपको वापस देखना है आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर सर्च करना है एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट वीडियो करेक्ट देखो कितना भी अच्छे से हम आज पढ़ लें मैं आपको कितना भी बुलवा लू लेकिन कुछ दिनों बाद धुंधला हो जाएगा लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा आई विल बी ऑलवेज देयर आपको कहीं पर भी डाउट डिफिकल्टी अपना इतना जबरदस्त सिस्टम इकोसिस्टम जो ऑडिट का इतना स्ट्रांग बना के रखा है कि क्लास के बाद में भी मतलब मैं आपको बोलता हूं कि आपको कोई रिवीजन क्लास शायद कभी ना करना पड़े मतलब मैं खुद बोल रहा हूं आपको कभी कोई रिवीजन क्लास नहीं करना पड़ेगा नेवर अपने से अपन अगर तुम लोगों ने किया है क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के रिवीजन का मैंने आपको मटेरियल दे दिया है हर क्वेश्चन के रिवीजन का मैंने आपको लिंक दे दिया है अभी और क्यों चाहिए रिवीजन वाई एल्स यू वॉन्ट प्रोवाइडेड कि आप मेरे सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें नाउ एक और चीज यहां पे अभी ओपन नहीं है लेकिन आपके बुक में आखिरी के पेजेस पे ऑनलाइन वाले चिंता ना करें, नहीं दिखेगा तो भी आखिरी के पेजेस पे अपन ने एक मैपिंग दी है क्या दिया मैपिंग वहां पे मॉड्यूल के एक एक कॉन्सेप्ट का नाम लिखा है हर चैप्टर के जो हेडिंग होती है ना आपका मॉड्यूल उठाएंगे तो उसकी हेडिंग अपने कौन से चैप्टर में कौन से पार्ट में कौन से कॉन्सेप्ट नंबर में कवर्ड है वो भी है मतलब एविडेंस भी हर चीज का ऐसे हवा में बात नहीं है क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल प्रोफेसर कुछ कुछ कभी कभी प्रोफेसर जो इतना डेफ है हर कोई बोलता है मेरे नोट्स में स्टडी मटेरियल पूरा कवर्ड है कभी कभी मैं इखादे को देखता हूँ जो वेल well रिसर्च नहीं है बोल दे बेटा मैं भी एज बोलता तू भी एज बोलता क्या फर्क है हम लोग यहाँ पे रात काली कर रहे हैं और तू हवा में उड़ रहे हैं लेकिन उसका प्रूफ भी हमने देके रखा हुआ है मतलब अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोलूं, तो इट इज बैक बाय लॉर्ड ऑफ हार्डवर्क नाउ गाइज आफ्टर हैविंग सेड दैट अबाउट द मटेरियल तो आपको बेस्ट बुक्स इन इंडस्ट्री है वेदर इट्स परम क्वेश्चन बैंक मैं आपको आज लिख कर रहता हूं स्टैम्प पेपर पे फिफ्टी परसेंट ऑफ द पेपर मोर देन फिफ्टी परसेंट विल बी फ्रॉम परम क्वेश्चन बैंक सर ऐसे कैसे क्योंकि मुझे पता है कि इंटर में क्या होता है कितना भी डिफिकल्ट पेपर आएगा देखो हाँ भाई ए सी बंद करूंगे लिसन आपके हर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर है हर क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर है कौन से कॉन्सेप्ट है उसको लिंक किया हुआ यहां पे ये क्वेश्चन कौन से पे इसकी लिंकिंग भी है आपको कष्ट ना हो आखिरी में रिवीजन फास्ट इसलिए उसकी हेडिंग भी है अच्छा इतने पढ़ना कैसे भी समझा रहा हूं न्यू कोर्स में आया मे नाइनटीन मॉक टेस्ट पेपर मे ट्वेंटी मॉक टेस्ट पेपर तड़प रहा है एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन क्योंकि अभी तक सिर्फ कहां घूम रहा है मॉक टेस्ट और आप एक क्वेश्चन निकाल लेना जो अपने इसमें कवर्ड नहीं का database है इट्स नॉट पॉसिबल इट इज बैकड बाई कम्प्लीट डेटा बेस ऑफ एक्सल पांच हजार क्वेश्चन का जब भी इंस्टीट्यूट कभी एक क्वेश्चन भी निकालता है तो वो हमारे डेटाबेस में जाता है ईच एंड एवरीथिंग इज सो वेल रिसर्च कि एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता और कुछ भी अंदाज से नहीं इट इज बैक्ड ठीक है और फिर यहां पे आंसर लिखने का तरीका भी है पार्ट वन आप रेफरेंस दो सेक्शन का जो आप लॉ में पढ़ते हो फिर उसकी रिक्वायरमेंट बताओ फिर उसके बाद में आपका केस का अगर केस होगा यहां पे केस नहीं है पार्ट थ्री होता है केस का डिस्कशन पार्ट थ्री इज केस का डिस्कशन एंड पार्ट फोर इज कंक्लूजन आपको पूरे क्वेश्चन बैंक में जहां जहां केस स्टडी है सेम फॉर्मेट में आपको मिलेगा सर इतना सब कुछ दे रहे हो मैं समझ में खुश हूं कि दुखी हो खुशी इस बात की मिल रहा है दुख इस बात का है कि ये सब करना है डोंट वरी गाइज मैं हाथ पकड़ के करवा लूंगा तुम लोगों से हर हफ्ते आप लोगों की टेस्ट होने वाली है ले ले बोले तू मजे मजे तो लेने पड़ेंगे लेकिन दस मार्क की टेस्ट होगी सिर्फ जितना हफ्ते भर आपने पढ़ा बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एवरी संडे आधे घंटे की टेस्ट है एवरी संडे हाफ एन आवर टेस्ट चार क्वेश्चन दूंगा उसमें से दो लिखने आपको देखो कितनी सहूलियत दे रहा हूं मैं आपको कितने क्वेश्चन है चार उसमें से कितने करने हैं दो मैं चाहता हूं टेस्ट के लिए तुम पढ़ो मानो नहीं मानो जैसी टेस्ट अनाउंस होती है बंदा पढ़ने लग जाता है और अगर तुम दो क्वेश्चन भी लिख लिए ना संडे को जीवन सफल है ऐसे तो मैं रोज लिखने की बात कर रहा हूं लेकिन ये रोज लिखने की बात मैं सौ में से सौ बच्चों को बोलता हूं लेकिन यू नो व्हाट? जीरो पॉइंट फाइव परसेंट भी जनता नहीं है जो रोज लिखती है इनफैक्ट मैं अकेला प्रोफेसर नहीं होऊंगा जिसने लिखने के बारे में बोला होगा लिखवाऊंगा भी आपसे और टेस्ट में भी लिखवाऊंगा ठीक है गाइज सो दैट वॉज ऑल अबाउट मी मेरे बारे में मैंने आपको बताया अब और आगे बढ़ते हैं बेटर सबसे पहले आपको जो करना है आपको जाना है टेलीग्राम पे टेलीग्राम है सबके पास नहीं है टेलीग्राम कौन है वो आदमी जिसके टेलीग्राम नहीं है राकेश ओके ध्यान देंगे ऑडिट गुरु एक चैनल है अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर्स है उसके ऊपर उसको ज्वाइन करना है सबसे पहले आपको ऑडिट गुरु कर लीजिए फटाफट और एक ग्रुप ज्वाइन करना है क्योंकि इसकी सॉफ्ट कॉपीज और जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो सब कुछ ऑनलाइन वाले बहुत माहौल में बोले आपने तो रुला दिया इतना सब कुछ देकर बलवंत बल्लू ऑनलाइन है हाँ मंडे को आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे उसने बोला मेरे को सर मंडे लाइन आर्मी माजा सारी नोट्स ठेवा और ये ज्वाइन करें ये ज्वाइन कर लिया आपने और ये ग्रुप है अराउंड इसमें ढाई हजार बच्चे होंगे तो सी ए इंटर ऑडिट लाइव क्लास डिस्कशन ये दो आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसी में सारी चीजें रहेगी डन अभी अगर आप इस ग्रुप पे जाएंगे तो चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टेन के रेगुलर नोट्स की सॉफ्ट कॉपी क्वेश्चन बैंक की सॉफ्ट कॉपी एमसीक्यू बुक की सॉफ्ट कॉपी सब कुछ वहां पे शेयर किया हुआ है और सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पे शेयर की जाएगी ठीक है अब देखो हम इतना ज्यादा डेटा बेस चलते हैं आपको पता है तेरह में से सिर्फ छह चैप्टर्स है विच कंट्रीब्यूट सिक्सटी वन परसेंट ऑफ मार्क्स ये छह चैप्टर्स है जहां से सिक्सटी वन परसेंट आएगा ये फाइल वहां पे एबीसी एनालिसिस है पांच चैप्टर है उससे थर्टी परसेंट मार्क्स आएंगे मैं क्वेश्चंस की बात करूं एमसीक्यूज की नहीं क्योंकि एमसीक्यूज बाहर आते हैं नहीं है हमको एमसीक्यूज के बारे में पता नहीं चलता उस पर कमेंट नहीं कर सकते ये पूरा ये फाइल आपको मिल जाएगी ये फाइल आपको बहुत ज्यादा काम आएगी ये जानने के लिए कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है गाइस लिसन जितने लोग मुझसे काउंसलिंग करके तो मैंने बताया था आपको हर आज तो शायद आपको खास जरूरत ना पड़े हर सब्जेक्ट में आपको हर सब्जेक्ट में इनफैक्ट ग्रुप टू के लिए या ग्रुप वन दोनों के लिए आपने एक डाउट बुक मेंटेन करना है सौ पेज की हो सकती है कौन सी बुक डाउट बुक वहां पे डेट डालना आज मैंने जो भी लेक्चर अटेंड किया जो भी सब्जेक्ट का उसमें कौन सी चीज डिफिकल्ट गई वो लिख लेना है ताकि घर जाके सबसे पहले उसी पे ध्यान दे उसको पहले निपटाए उसके बाद बाकी सब फटाफट ऐसा करने से आप प्रायोरिटी में डालोगे चीजों को अगर आप प्रायोरिटी में डालोगे चीजों को यू विल बिकम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यू विल बिकम स्मार्ट बहुत जरूरी है ठीक है कौन से सब, कौन से टॉपिक पे कितना ध्यान देना देखिए तेरह चैप्टर्स है हर एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा है एवरेज क्या है वो दिया हुआ है सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला जो चैप्टर है वो हम शुरू करने वाले हैं विच कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टीन परसेंट ऑफ द मार्क्स एंड दट इज कंपनी ऑडिट आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा लॉ में आखिरी आखिरी में होता है बराबर करेक्ट वो हम लोग पढ़ने वाले इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन लॉ में आपने जितना पढ़ा है उससे मैं ऐसा बोलूंगा दो गुना ज्यादा डेप्थ में हम लोग ऑडिट में पढ़ेंगे क्योंकि उसका वेटेज उतना इंपॉर्टेंट है ये एबीसी एनालिस्ट वाली फाइल आपको मिल जाएगी वहां पर ओके गाइज मेरे, मेरा मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको मैंने बताया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एबीसी एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं बट बिफोर आई गो टू दैट एक चीज के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे चलिए आप मुझे बताएंगे ऑडिट क्यों आया एंड वॉट डू मीन सबसे पहले व्हाट ड्यू मीन बाय ऑडिट सिंपल सी बात चलिए चेकिंग बहुत बढ़िया चेक करना और स्क्रूटी नहीं करना मतलब ही चेक करना एग्जामिन करना वेरीफाई करना इवेल्युएट करना मैच करना और बस करके क्या करना फ्रॉड का पता लगाना एश्योरेंस सही चल रहा है बिल्कुल चिंता मत करो अश्योर करना कंप्लाइंस चेक करना अकाउंटिंग साइंस फॉलो किए कि नहीं किए अगर ऑडिट को मैं एकदम सिंपल शब्दों में आप सबको एक बुक मेंटेन करनी है 200 पेजेस की ठीक है चलिए उससे हम शुरुआत कर रहे हैं ऑडिट को अगर एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलू बहुत ही आसान शब्दों में ऑडिट मींस टू चेक एंड रिपोर्ट जब तक रिपोर्ट नहीं करोगे ऑडिट कंप्लीट नहीं है चेक करना और रिपोर्ट इजिएस्ट डेफिनेशन सबसे आसान डेफिनेशन कोई बात नहीं मैं जानता हूं कुछ बच्चे तो बुक लेके आए नहीं होंगे कुछ बच्चे दूसरी बुक को पीछे से शुरू करेंगे कुछ रहेंगे जो मनी मन लिख लेंगे और कुछ कन्याएं रहेंगी बिल्कुल भगवान का नाम वाम लिख के रेडी श्री गणेश करो बोले पूजा उजा करके हैं, हाँ देखो सर तिलक तिलक भी लगा के आए हैं ओके नाउ गाइस ये सबसे आसान डेफिनेशन है अब मैं सीए इंस्टीट्यूट की दी हुई सबसे प्यारी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं सबसे प्यारी डेफिनेशन और इसमें सारे बेसिक प्रिंसिपल्स कवर होते हैं मेरे साथ साथ में आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में प्रिंट करके दी हुई है लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि यह लिखे हम लोग ऑडिट इज systematic इंडिपेंडेंट देखो मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूं क्योंकि हर शब्द का मतलब है जो हम लिखेंगे बाजू में एग्जामिनेशन ऑडिट को सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो जो चाहे जाकर चेक कर लो ऐसा <laughs> नहीं होता है स्टैंडर्ड्स बैंग ऑन टारगेट सिस्टमैटिक अकाउंटिंग सिस्टमैटिक है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाखों कंपनियां इंडिया में लेकिन एक जैसे वो लोग डेप्रिसिएशन करते एक जैसा इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते एक जैसा रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते ओनली बिकॉज दे ऑल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स साढ़े तीन लाख चार अकाउंटेंट्स है उसमें से मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑडिट प्रोफेशन में इन्वॉल्व है वो सब लोग एक जैसा ऑडिट करते हैं एक लाइन में ऑडिट करते हैं बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इसको हम लोग सिस्टमैटिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज डन इट इज एस पर एसेज एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सो ऑडिट इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी वेल प्लान एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग सिस्टमैटिक है इट इज इंडिपेंडेंट कितना मजा आएगा अगर इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोला पेपर वेपर लिख दो और चार पांच दिन वापस एग्जाम सेंटर पर आना चेकिंग के लिए चेकिंग तुम नहीं करोगे तुम्हारे घर में से कोई भी नॉलेज वाले उनको बुला लेना करेक्ट क्या होगा वहां लिखेंगे ए आर सब एर फुल मार्क्स सौ में से एक सौ पचास बच्चे लिखेंगे पेरेंट्स जन्म ही इसीलिए हुआ था कि एक दिन सीए बने लेसन गाइस The whole examination will go for toss. It will become meaningless. It will become useless. अगर जो बंदा लिख रहा है वही बंदा चेक करे फाइनेंशियल statements कौन बनाता है कंपनी कंपनी के अंदर कौन बैठा हुआ है मैनेजमेंट कौन बैठा हुआ है मैनेजमेंट मतलब कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बना रहा है साल भर में कितना प्रॉफिट किया कमाया ये कौन बना रहा है मैनेजमेंट कितने एसेट लाइब्रेरी से कौन बना रहा है मैनेजमेंट मतलब खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कौन बना रहा है मैनेजमेंट उनको ही बोलेंगे चेक कर दे तो क्या बोलेगा सब बहुत बढ़िया है सुनहरे अक्षर है ये इस पे पूरा विश्वास करो एवरीथिंग इज फाइन ऑल इज वेल गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है उससे अगर तुम ऑडिट कराओगे तो क्या मतलब है एवरी वन से ऑल इज वेल एवरीथिंग इज फाइन ऐसे बंदे से कराओ जो क्या है जो क्या है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब क्या जो डिपेंडेंट नहीं है लीगली फाइनेंशियली पर्सनली ऐसा बंदा जिसके साथ में कोई बहुत लीगल एसोसिएशन नहीं है फाइनेंशियल एसोसिएशन नहीं है पर्सनल एसोसिएशन नहीं है वो एक निष्पक्ष और न्यूट्रल रिपोर्ट देगा इट इज अ इंडिपेंडेंट कोई भी आदमी उठ के नहीं कर सकता इट इज इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट इंडिपेंड मतलब ही होता है नॉट डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट मेरे लिए लॉस सबसे ऊपर होता है इसलिए मैं लीगली बोलता हूं पहले कभी लिखते लिखते आपको ऐसा लगे स्पेलिंग उल्टा आगे पीछे कुछ आड़ा तेड़ा है तो समझना कि आप सही हो फाइनेंशियली पर्सनली लीगली फाइनेंशियली पर्सनली ऐसे व्यक्ति ने ऑडिट करना चाहिए जो लीगली फाइनेंशियली पर्सनली डिपेंडेंट नहीं है क्लाइंट के ऊपर इससे बोलते ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट क्या है अल्टीमेटली एग्जामिनेशन चेकिंग चलो आपको पूछता हूं कंपनी के पीएनएल में पांच करोड़ का रेंट पेड है कैसे चेक करोगे पांच करोड़ का रेंट पे किया है हाउ आर यू गोइंग टू चेक इट सबसे पहले प्रिमाइसिस है कि नहीं भाई पांच करोड़ का रेंट भी प्रिमाइसिस के लिए सबसे पहले जाके देखो सही में इसे कोई है कि नहीं है जाके मैं अपनी आंखों से देखूंगा ग्रेट और रेंट अग्रीमेंट अगर पांच करोड़ का पेमेंट किया है तो रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए उसमें दिखना चाहिए कि रेंट कितना है पांच करोड़ और एक्चुअल ट्रांजेक्शन पांच करोड़ का पेमेंट दिखना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में और एक्चुअल पार्टीज इन्वॉल्व उनके नाम से पेमेंट किया है ठीक है बैंक स्टेटमेंट से मिल जाएगा ओके okay, और कौन बोल रहा था जिसको पेमेंट किया रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है क्या बिल्कुल सही से, बहुत सेंसिटिव है क्या रिलेटेड पार्टी को हम पेमेंट कर सकते हैं कभी यस नो यस लेकिन कंपनी लॉ के बहुत सारे रिक्वायरमेंट है कि परमिशन लेने के बाद ही पेमेंट करना चाहिए ओके okay, और बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं बैंक ऑन टारगेट और और भी चीज है चलो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं रेंट वर्थ इट है क्या इज इट रीजनेबल मार्केट में रेट चल रहा है हंड्रेड पर स्क्वायर फीट और पे किया दो सौ पर स्क्वायर फीट मतलब इसमें कुछ है इज इट रीजनेबल और नॉट बहुत सही और मैं अब आपको एक गोल्डन चीज बता रहा हूं आप आर्टिकलशिप में किसी भी चीज को ऑडिट कर सकते हो आपको बता रहा हूं ध्यान सुनिए सिर्फ आपको यह इमेजिन करना है कि ट्रांजैक्शन की शुरुआत कैसे हुई थी और एंड कैसे हुआ था अपने आप आपके दिमाग में फूटने लगेगी चीजें कि कैसे चेक करना है थोड़ा सोचो कंपनी ने सबसे पहले प्रिमाइसिस जाकर देखी होगी उसको फाइनल किया होगा यस नो तो आपने भी मैं सोचनाइसेस जाकर देखूंगा जैसे उन्होंने प्रिमाइसिस को फाइनल किया होगा ठीक है क्या बनाया होगा रेंट अग्रीमेंट आपके दिमाग में अगर रेंट अग्रीमेंट मतलब हर चीज किससे मैच करना रेंट अग्रीमेंट से फिर वहां पे क्या शुरू किया होगा उन्होंने अपना बिजनेस अच्छा रेंट अग्रीमेंट फाइनलाइज करते वक्त उन्होंने देखा होगा मार्केट में रेंट कितना चल रहा है यहां पे कितना चल रहा है तो मार्केट से क्या कंपेयर करेंगे रेंट रीजनेबल है कि नहीं है अग्रीमेंट और बिजनेस शुरू किया गा, सही में बिजनेस चल रहा कि नहीं चल रहा बड़े बड़े कंपनियों में प्रॉब्लम है बताते कंपनी का है और यूज करते पर्सनल पर्पस के लिए इसलिए बिजनेस पर्पज के लिए है कि नहीं वो चेक करना बहुत जरूरी है फिर आप बताओ मंथ एंड में क्या होगा पेमेंट 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 करते क्या काटेंगे टीडीएस क्या काटेंगे टीडीएस अगर रेंट सही में पे किया है तो दिखना चाहिए क्या काटा टीडीएस टीडीएस काटा है आपके इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स में दिखना चाहिए पेमेंट करूंगे कहां दिखना चाहिए बैंक स्टेटमेंट मैं जब उसको पेमेंट करूंगा तो मुझे क्या देगा रिसीट तो उसकी क्या दिखनी चाहिए रिसीट कंपनी में होता है आप सिर्फ इमेजिन करिए कि ट्रांजैक्शन की शुरुआत कैसे हुई थी कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ और कैसे वो कंक्लूड हुआ आपने इतना सोच लिया तो आपके दिमाग में सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिसकी मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं चेक बता रहा हूं आर्टिकलशिप में और आगे सीए में बस इतना सोचना है जस्ट इमेजिन कि ट्रांजैक्शन का इंसेप्शन कैसे हुआ प्रोसेस कैसे हुआ और उसका एंड कैसे हुआ अभी हमने किसका एग्जाम्पल लिया रेंट इट इज अ एग्जामिनेशन हम हर चीज को वेरीफाई करते हैं हम हर चीज को वेरीफाई करते हैं वेरीफाई विथ रिकॉर्ड्स ये डेफिनेशन चल रही है अपनी वेरीफाई विथ रिकॉर्ड्स विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन अब एक और खास बात ऑडिट कई प्रकार के होते पूर्ड क्वालिटी बराबर है कि नहीं क्वालिटी ऑडिट कंपनी में एनर्जी वेस्टेज तो नहीं है एनर्जी ऑडिट एनवायरमेंटल को डैमेज तो नहीं कर रहे एनवायरमेंट ऑडिट कई प्रकार के ऑडिट होते हैं कंपनी सेक्रेटरी आके देखता है कंपनी फॉलो किया कि नहीं सेक्रेटरियल ऑडिट ये सब हम करते हैं क्या हम कौन सा ऑडिट करते फाइनेंशियल ऑडिट ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स Of financial records, transactions, balances, transaction, incomes, expenses, cash inflows, cash outflows, balances, assets, and liabilities, transaction, balances. अल्टीमेटली अकाउंटिंग करने का क्या बनता है ट्रायल बैलेंस उससे क्या बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आते हैं ट्रांजेक्शन उसके बैलेंसेस फिर ट्रायल बैलेंस और उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब और इंटरेस्टिंग सो इट्स ब्यूटीफुल डेफिनेशन मतलब मेरे को तो इसको तब से प्यार जब से मैंने ऑडिट सबसे जिंदगी में सबसे पहली बार पढ़ा था इतने सारी चीजें उसमें कवर्ड है अच्छा अब और आप मुझे बताइए क्या मंदिरों का मस्जिदों का चर्च का ऑडिट होना चाहिए अरे वो तो बिजनेस एंटिटी नहीं है चैरिटेबल है उनको तो छोड़ दो क्यों छोड़ो हमको भी पैसे हमको सबसे कमाना है क्या उनका ऑडिट होगा क्या पाप पड़ेगा तुमको चलेगा बोले पैसे मिलने चाहिए अरे क्या जमाना आ गया बोले सब चलता पैसे दे दो गाइस जहां जहां पैसा वहां वहां अकाउंटिंग और जहां जहां अकाउंटिंग वहां वहां ऑडिटिंग इसलिए चार सी ए प्रोफेशन इज सो मच स्प्रेड जहां हर जगह क्या है पैसा तो हर जगह होनी चाहिए अकाउंटिंग और हर जगह पे ऑडिटिंग हर जगह पे सी अरे कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़े उनको भी क्या चाहिए सीए धंधा करोगे तो पैसा पैसा तो हम कल ब्लॉकचेन आगे बढ़े उनको भी क्या लेंगे सीए कोई भी इंडस्ट्री कोई भी सेक्टर हो हर जगह हमारी जरूरत है हां जैसे भी वो कुछ छोड़ दो आपके और वीले कहां अब वो दुनिया ही अलग है भाई वहां पे पैसा ही नहीं है लोग एकमे के लिए काम करते बिना पैसे के मतलब पैसा भी यूज लेकिन बहुत कम वो दुनिया अलग है ठीक है ऐसी काल्पनिक दुनिया को छोड़ दो तो बाकी हर जगह किसकी जरूरत है सीए और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छा प्रोपराइटर का ऑडिट होता है पार्टनरशिप कंपनी कोऑपरेटिव प्रोपराइटर का भी ऑडिट होता है होता है नहीं होता है तुम भी तो प्रोपराइटर हो तुम्हारा ऑडिट तो कभी नहीं हुआ कमाई का है अभी खर्चा है ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ लीगल फॉर्म कोई भी लीगल फॉर्म है सबसे कमाएंगे हम प्रोपराइटर पार्टनरशिप कंपनी एक्सेट्रा इर ऑफ लीगल फॉर्म सब कॉल्ड होता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इर ऑफ लीगल फॉर्म पैसा बहुत है बोले मंदिरों में ऑडिट होना चाहिए रिस्पेक्ट ऑफ लीगल फॉर्म सबका अच्छा अब यहां पे ध्यान से हैं, बच्चे लिखने में गलती करते वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड रिलायंस बोलता है पैसा कमाना है दे यार दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड लेकिन आपके अपने हेल्पेज इंडिया नाम सुना आपने? है आपने हेल्पेज इंडिया बूढ़ों के लिए इट इज नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड इट इज वॉट चैरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल फॉर्म वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड बच्चे लिखते प्रॉफिट मेकिंग अरे प्रॉफिट वालों का भी ऑडिट होता है और लॉस वालों का भी ऑडिट होता है क्योंकि वो लोग लॉस का एग्जेम्शन क्लेम करते इनकम टैक्स में इनकम टैक्स में लिखा है भाई बड़े तुमको अगर लॉस का अगर क्लेम करें तो पहले क्या करवाओ ऑडिट इक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म वेदर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस वालों का भी होगा और चैरिटी वालों का भी होगा इर ऑफ लीगल फॉर्म वेदर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का यहां पर मतलब है एम गोल ऑब्जेक्टिव ऑडिट इज सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड इर रिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म वेदर आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गिव ओपिनियन

अल्टीमेट ऑब्जेक्ट टू गिव गारंटी वाई नॉट यूज वर्ड गारंटी वाई यूज वर्ड ओपिनियन गारंटी देंगे कुछ भी गड़बड़ हो गया तो हमारे ऊपर क्या आ जाएगा ऑब्लिगेशन तो सर बोल रहे खुद को बचाने के लिए गारंटी फारंटी मत दो क्या दो ओपिनियन ऐसा तो बचने के लिए कर रहे हैं हम लोग ऐसा मतलब कुछ करने के पहले बचाव शुरू करो ओके okay. हु else विल टेल मी वाई ओपिनियन और ये वर्ड कहां सुनने में आपको मिलता है ओके okay. ओके okay. मैनेजमेंट बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके हु एल्स पर्सपेक्टिव डिफर कर सकता है ओके okay. चलो जो so, इंफॉर्मेशन so आती प्राप्रेस्ट प्राप्रेस्ट था था है वो तो हम बोलते कि ओपिनियन जो वो है वो हमारे लिए ट्रू है हमारे ओके okay, ठीक है भावनाएं मैं महसूस करो सही जा रहे भावना आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए कौन नहीं गया दे? कौन है बे सुपरमैन पे डॉक्टर के पास नहीं गया कभी कुछ भी मतलब फेंको तो भी लिमिट में बचपन में वैक्सीन भी नहीं ली क्या है ओके okay, तो डॉक्टर पोलियो हाँ नहीं हमारे पास में सुपर ह्यूमन है यहाँ पे भाई तुम दोनों सुपर ह्यूमन दिख रहे हो मेरे को ना नाउ ना लेसन डॉक्टर के पास जाओगे ना हम ऐसा बोलते कि हमने एक डॉक्टर क्या लिया ओपिनियन अब दूसरे डॉक्टर क्या लेंगे ओपिनियन क्यों पता है ऐसा ह्यूमन बॉडी भगवान ने बनाई ऊपर वाले ने बनाई नेचर ने, ने बनाई डॉक्टर उसको देखता है समझता है एग्जामिन करता है उसने बनाया नहीं है आज भी खून नहीं बना सकता हो और बहुत सारी चीजें नहीं बना सकता और आज भी इतने बिलियंस ऑफ इयर्स हो गए हम सब है आज भी ह्यूमन बॉडी को पूरी तरीके से लोग नहीं समझ पाए बनाने वाला कोई और है और चेक करने वाला कोई और है कैसे दोगे गारंटी यार तीन सौ पैंसठ दिन मैनेजमेंट ने ट्रांजैक्शन किए उन्होंने अकाउंटिंग की उन्होंने डिपार्टमेंट सेटअप किया उन्होंने पूरी पॉलिसीज़ की उन्होंने पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हम जाते जुम्मा जुम्मा बीस दिन बीस दिन हम लोग जाते वहां पे, पे चेकिंग करते हैं ऐसे कैसे गारंटी दे दोगे इट इज नॉट प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल और खुद को बचाना भी है गारंटी पॉसिबल ही नहीं है बनाने वाला कोई और है चेक करने वाला कोई और है उसने तीन सौ पैंसठ दिन दिए हमने बीस दिन दिए इट इज नॉट पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल कि हम गारंटी दे दे हंड्रेड परसेंट पे हम कमेंट करें पॉसिबल ही नहीं है इसलिए हम क्या देते ओपिनियन लेकिन ऐहरा गहरा ओपिनियन नहीं देते हाई कॉन्फिडेंस हाई कॉन्फिडेंस रीजनेबल अश्योरेंस नाइंटी परसेंट कॉन्फिडेंस से बोल रहा है यह सही है 95 परसेंट कॉन्फिडेंस से बोल रहे है ये से, हवा में बात भी नहीं कर रहे है। लेकिन हां तू कल मेरा आके गला पकड़ेगा पूरी की पूरे कंपनी के लोग ही झूठ बोल रहे थे हर डॉक्यूमेंट फेक था गवर्नमेंट भी इनके साथ में मिली हुई थी और तू आके मेरा गला पकड़ेगा तो ऐसा होने वाला नहीं है इसलिए मैं पांच परसेंट छोड़ दे रहा हूं किसको मालूम सारे डॉक्यूमेंट्स नकली है गवर्नमेंट भी इनके साथ मिली है गवर्नमेंट ऑफिसर भी इनके साथ मिले हो नहीं सकता क्या हो सकता है खुद को सेफ रखने के लिए हम पांच परसेंट छोड़ेंगे एंड इज एब्सोल्युटली फाइन पांच परसेंट चलता है इसीलिए वहां पे वी गिव ओपिनियन ओपिनियन देते विथ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टेक्निकल वर्ड अभी यूज नहीं कर रहा हूं बाद में देखेंगे नॉट गारंटी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वहां पे आप लिखो 82, टू परसेंट जनरली होता है नॉट गारंटी 100% परसेंट नहीं भैया इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व है हंड्रेड परसेंट नहीं बोल सकते और खुद को फंसा नहीं सकते अच्छा चलो ट्रू वर्ड का मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्ट टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल सेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ट्रू वर्ड का मतलब तो समझ में आता है ट्रू मतलब जितनी जानकारी दी है फाइनेंशियल सेटमेंट में इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी नोट्स टू अकाउंट्स वो कैसे होनी चाहिए सही होनी चाहिए ट्रू होनी चाहिए रिलायबल होनी चाहिए यस नो सही में रेड उतना है कि नहीं सही में सेल उतना है कि नहीं सही में एसिड उतना है कि नहीं सही में उतनी लाइब्रिटी है कि नहीं है ट्रू वर्ड समझ में आ जाता है वॉट डू मीन बाई फेयर तो वो तो ट्रू हो गया मैं मैं बोल रहा हूं इन्फॉर्मेश इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रू वी ऑल नो वॉट डू मीन बाय ट्रू दैट मीन इट शुड बी रिलायबल विंडो ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग ये बात विंडो ड्रेसिंग सर बहुत पढ़े हुए हो। मैनिपुलेशन एडजस्टमेंट नहीं किए उसमें तो ही नहीं चलो वेरी गुड बट बट देन फेयर वर्ड का क्या मतलब है गोरे लोग बताएंगे <laughs> 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 अरे तू ही गोरा भाई तेरे को तो पता होना चाहिए कि तू गोरा है सिस्टमैटिक <laughs> अरे <laughs> ऑडिट तो शुरू हुआ वहां से एंड पे मैंने बोला फेयर क्या तो बोले सिस्टमैटिक <laughs> हाँ क्या फेवर फेवरेबल होना चाहिए रिलायबिलिटी और लाइबिलिटी फेयर एसेट शुड मैच लाइबिलिटी ओके <laughs> okay, और यस yes, बिल्कुल बिंदास बोलो क्लास में बिंदास बोलने का अपन कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के प्रभाव के आए बिना बिना किसी के प्रेशर में ठीक है इंडिपेंडेंस में कवर किया हमने वो ठीक है अंडरस्टैंडेबल रहना चाहिए सफिशियंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वेरी गुड इंफॉर्मेशन करेक्टली रिकॉर्ड होनी चाहिए रिलायबल होना चाहिए ओके गाइस नाउ लिसन ट्रू मतलब रिलायबल है सच है बिल्कुल सही है लेकिन सच को कैसे परोसा जा रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि सच को परोसा कैसे जा रहा है प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है मैं आपको बताता हूं बैलेंस शीट बैलेंस शीट में ठीक है फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स लास्ट ईयर थे 100 करोड़ करंट ईयर में हो गए 300 करोड़ एज अ इन्वेस्टर यू आर स्टडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर एसेट 100 करोड़ से 300 करोड़ हो गए व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन क्या इंटरप्रिटेशन मिल रहा आप है आप लोगों को एसेट परचेस किया एक्सपैंशन हुआ है कंपनी आगे बढ़ी है फैक्ट्रीज लगाई है फ्यूचर बहुत अच्छा है सेल्स बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा यस नो यस नो इज द अंडरस्टैंडिंग यू आर गेटिंग लेकिन उन्होंने तो रिवैल्युएशन किया था उन्होंने तो फिक्स एसेट में रिवैल्युएशन किया था यह बात उन्होंने नोट्स टू तो अकाउंट्स में नहीं लिखी नो लिसन केयरफुली तीन सौ करोड़ लिखा इस बार इज इट ट्रू इज इट ट्रू लेकिन नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में ये नहीं लिखा दैट देर वॉज रिवेल इज इट फेयर फेयर ना अच्छे सुनो इंफॉर्मेशन फेयर होनी चाहिए दैट मीनस इट शुड बी प्रेजेंटेड गिवन फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इट शुड बी न्यूट्रल ना चीजों को बढ़ाकर दिखाओ ना चीजों को कम करके दिखाओ अनबायस तरीके से दिखाओ तो उसको हम क्या बोलते हैं फेयर 300 करोड़ लिखा वो सच है लेकिन अगर तुमने नहीं लिखा नोट्स अकाउंट्स में कि इट इज बिकॉज ऑफ रिवैल्युएशन इट इज नॉट फेयर वो इंफॉर्मेशन इसीलिए प्रूवर्ड तो हम जानते हैं उसको कोई समझने की जरूरत नहीं है फेयर मतलब जो आपको अनबायस्ड अनबायस्ड न्यूट्रल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देटर बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ता है बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ता है कि इससे क्या मतलब निकल रहा है और क्या यह सच है अभी आपने मतलब निकाला एक्सपेंशन का लेकिन वो सच नहीं था दलवाएगा वो मैनेजमेंट के सर पर खड़ा होकर नोट्स अकाउंट्स में लिख स्टार मार्क दाल इधर स्टार मार्क दाल और लिख नोट अकाउंट्स में दर इट इज बिकॉज ऑफ रिवैल्युएशन इस पॉइंट क्लियर गाइस लेट्स फ्रीज़ वी आर थ्रू डेफिनेशन ऑफ ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इन ऑफ लीगल फॉर्म वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इतनी प्यारी डेफिनेशन है कि हर वर्ड से हर वर्ड से मतलब निकल कर आता है और सॉलिड फाउंडेशन अभी तक के लेक्चर में हम रूबरू हुए और उसमें हम लोगों ने एक बहुत प्यारा सॉलिड फाउंडेशन स्टैब्लिश किया किसका ऑडिट का इसमें आपके मन में कोई सवाल पूछेंगे हमने यह भी देखा कि पैसा बहुत कमा सकते हैं अगर आपके कनेक्शन सॉलिड है सेटिंग सॉलिड है तो आप ऑडिट में बहुत पैसा कमा सकते हैं कोई सवाल मन में कोई सवाल नहीं ग्रेट नाउ गाइज ंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बीस मार्क का आने वाला है ट्वेंटी मार्क्स और बीस में से बीस मार्क आपको मिल सकते हैं गाइज कितने चैप्टर्स है आपके तेरह तेरह में से आठ चैप्टर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बेस्ड है एस ए बेस्ड जब एस एस की बारी आएंगी जब हम शुरू करेंगे इट हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज मतलब उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो थोड़ी टेक्निकल होती है बड़े प्यार से पढ़ेंगे दो लेक्चर तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझने के लगाएंगे इट कम्स टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तेरह में से आठ उसके ऊपर बेस्ड है और जो पांच है वो बाकी लॉ और बाकी चीजों के ऊपर बेस्ड है और उसमें से जो पांच है उसमें सबसे बड़ा चैप्टर इज कंपनी ऑडिट 14 मार्क्स की थेरी आएगी छह मार्क के उसके एमसीक्यू आएंगे बीस मार्क का आएगा और पता है इसमें फुल मार्क मिलते बिकॉज इज लॉ बेस्ड ठीक है तो आपको नोट कुछ लोगों के पास बुक, बुक्स होंगी कुछ लोगों को नहीं मिली होगी आप अगर नोट्स देखेंगे ठीक है सिर्फ ये पर्टिकुलर चैप्टर का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स ठीक है देखिए ना देखो चूचू चाचा बराबर उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एक्चुअली बाहर वाले क्या सोचेंगे ध्यान नहीं लेसन ना लेसन बस 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 अब फिर ऐसे स तो बचपन की रहती है जब नहीं होती बच्चे को तब करना बराबर ध्यान दें इस चैप्टर का जो फ्रेमिंग है थोड़ा सा अलग है हमने इसमें पूरे जो चार्ट से पार्ट ए में लिए हैं और पूरी जो टेक्निकल थे पार्ट बी में पहले पार्ट ए से कवर करेंगे फिर पार्ट बी को हम लोग पढ़ेंगे पहले जो डेफिनेशन है वो बाद में हम लोग एक एक करके आएंगे डेफिनेशन के ऊपर नाउ कम टू पेज नंबर टेन पॉइंट जीरो फोर पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज आप मुझे बताएंगे क्या सभी कंपनी को ऑडिट करना पड़ता है बिना पढ़े वहां पे? यस नो स्मॉल कंपनी को स्मॉल कंपनी को प्राइवेट कंपनी को टर् एक लाख नहीं है उसका उसको करना पड़ेगा ऑडिट स्टार्टअप को क्या तुम लोग दोगले लोग हो पहले एक साथ बोले हाँ अब एक साथ बोल रहे हैं ना स्टॉक मार, स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा तुम्हारा ओपिनियन चेंज होता अच्छा है इधर से उधर अच्छा एक्सेप्शन है लॉ में एक्सेप्शन दिए चलो कौन बताए कौन से सेक्शन में क्या एक्सेप्शन दिए सेक्शन यस सर सेक्शन तू घबरा मत बोल सेक्शन 143 में इनकम टैक्स की बात कर रहा है कोई बात नहीं दिमाग दौड़ता है तो दौड़ाना चाहिए फोर्टी फोर ए बी फोर्टी थ्री बी की फोर्टी फोर ए बी ध्यान दें लेसन सब लोगों को पहले सूचित कर दे ध्यान देंगे हम लोग चैप्टर नंबर टेन पढ़ रहे हैं कंपनी ऑडिट कंपनी का ऑडिट कैसे होगा कौन से में लिखा खाए कंपनी ऑर्ड कैसे कौन से लॉ में लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 कौन सा चैप्टर आपको पता है कंपनीज एक्ट किस किसमें बटा हुआ है चैप्टर्स चैप्टर Chapter 10 चलो मैं लिखवा रहा हूं चिंता मत करो मैंने कुछ चेहरे देखे बोले क्या बोल रहा है तू और क्यों बोल रहा है तू ध्यान देंगे गाइज वी आर स्टार्टिंग विथ आप लोग मेरे साथ साथ में लिखते जाइए चैप्टर टेन दैट इज कंपनी ऑडिट और मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा ऑडिट होगा एज पर कंपनी एक्ट 2013 हाँ ठीक है भाई कंपनीज़ एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इसमें आपका चैप्टर नंबर टेन है चैप्टर नंबर टेन में है सेक्शन वन थर्टी नाइन से लेके वन फोटी एट और हम लोग सर ने बोला इससे मैं बहुत अच्छा क्लैरिफाई कर दूँ हम लोग कंपनीज़ का ऑडिट पढ़ रहे हैं एज़ पर विच एक्ट कंपनीज एक्ट इनकम टैक्स के हिसाब से जो ऑडिट होता अंडर सेक्शन 44 ए बी वो हम लोग नहीं पढ़ रहे वी आर नॉट स्टडिंग दैट यहाँ पे पूरी बात आज पर क्या होगी कंपनी एक्ट और अभी आप लोगों ने दो ओपिनियन दिए पहले आप लोगों ने बोला सबका ऑडिट होता है फिर आपने बोला कि ऑडिट नहीं होता है फिर आपने एक सरकार बनाई मिली उसमें आपने बोला कि ऑडिट होगा एंड देर आर एक्सेप्शन फिर मैंने आपको पूछा कौन से सेक्शन में तो इनकम टैक्स का सेक्शन बोला ठीक है थीके? तो मैं आप लोगों को सबसे पहला ज्ञान बांट दू कि कंपनीज एक्ट में या चैप्टर टेन में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसमें बोला हुआ है एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बोला नहीं है कंपनीज एक्ट में कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है जहां पे बोला है कि ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा भी नहीं है कि किसी को एग्जेपन दिए हुए हैं यह काल्पनिक है आपके दिमाग में सिर्फ तो सर फिर आंसर क्या है आंसर इज सुन लो ध्यान से जैसे मैंने बोला कंपनीज एक्ट में देर इज नो सेक्शन विथ स्पेसिफिकली से ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट कंपनीज एक्ट में अब मैं आपको देता हूं इसका लॉजिक कंपनीज एक्ट में ये आपने पढ़ा हुआ इसलिए आप कनेक्ट कर सकते हो जिसने नहीं पढ़ा चिंता की बात नहीं है कोई डेप्थ में नहीं जाना कंपनीज एक्ट में सेक्शन 129 ट्वेंटी नाइन सबसेक्शन टू है जो डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से किससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ग्रुप वन पढ़ा नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जितना मैं आपको बताऊँ उतना आपके लिए काफ़ी है अच्छा एक और थोड़ा सा ज्ञान कभी कभी बच्चे गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और ज़बरदस्ती बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ज़बरदस्ती ठीक है तो मैं चाहता हूं कि आप वैसे ना हो मुझे याद आता है मेरा पहला लेक्चर लॉ का सी ए इंटर का सर के पास गया मैं सर लॉ की कौन सी डिक्शनरी खरीदूं तो सर मेरे को देखते हैं नहीं रवि डिक्शनरी की जरूरत नहीं मैं ना मैं बताऊंगा सब तुम लोग नहीं सर मेरे को तो इंडेप पढ़ना है। अब डिक्शनरी बता दो मैं मान ही नहीं रहा ठीक है जा इधर नीचे ये शॉप है वहां पे बोलना लॉ की डिक्शनरी जो भी डिक्शनरी ले लेना तो सर कोई भी ले लो अच्छी क्वालिटी की ठीक है ये वाली डिक्शनरी मिलेगी ये पब्लिशर की ले लेना है यस सर मैं लेकर आया अब सर पढ़ा रहे इधर बेर एक्ट इधर डिक्शनरी इधर नोट्स सर ने कुछ बोला खड़ा खड़, डिक्शनरी तो और एक वर्ड के चार मतलब उसमें से एक मतलब काम का है बाकी तीन काम के नहीं हैं और मैं गोल गोल घूम रहा हूं इतना कंफ्यूज हो गया जीवन में कि पूछो नहीं फिर और मेरे दोस्त एकदम मजे से क्या सिंपल लेक्चर था आज का सिंपल था दिमाग खराब हो गया मेरा यहाँ पे फिर मैं मेरे यार अच्छा सर को भी क्या बोलू इनको समझ में आ रहा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है उनको बोलूं क्या मैं अच्छा उन्होंने तो पहले बोला था बेटा डिक्शनरी की जरूरत नहीं है फिर एक सीनियर मिला तो दुखड़ा रोया मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो फिर बोले बैठ क्या कर है तो अच्छा तो दो बहुत लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्लियर हो उस दिन पहला ठीक है कि कभी भी एक वर्ड या आधा सेंटेंस पढ़ के इंटरप्रिटेशन मत करो यू हैव टू रीड कंप्लीट बहुत सी बार बच्चे इंडेप पढ़ना मतलब क्या होता है पता है उनका मतलब आधा सेंटेंस पढ़ा इसका मतलब पता करो एक ही सेंटेंस पढ़ते इसका मतलब पता करो ना ना ऑथर ना। का जब तुम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो कभी कभी पूरा पेज पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है ऑथर क्या बोलना चाहता है मेरा प्रॉब्लम यह हो गया था आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन मीनिंग ऑफ वर्ड I was not interested in what author wants to say, what law wants to say. मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट बनने के लिए चला गया मैं सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं चला गया सो so गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी थ्योरी पढ़ो हमेशा यह सोच के पढ़ो कि ऑथर क्या बोलना चाहता है और आधा एक सेंटेंस नहीं पूरा एक पैराग्राफ एक पेज पढ़ के देखो क्या बोलना चाहता है भले ही तुमको बीस तीस समझ में ना आए और दूसरा सीनियर ने बताया तो दवाई लिया तूने कभी गोलियों ले लिया हाँ तो देखो पता है क्या पेट में बाद कौन से केमिकल निकलते और कैसे तेरी तबीयत ठीक होती बोला नहीं क्यों ली कॉन्सेप्चुअल दवाई नहीं ले रहा तू हर चीज कॉन्सेप्चुअली होनी चाहिए ना तो दवाई क्यों नहीं ली तूने कॉन्सेप्टअली तू गाड़ी चलाता हाँ पेट्रोल से एनर्जी कैसे बनती इंजन कैसे काम करता पता है तेरे को तो कॉन्सेप्चुअल गाड़ी नहीं चलाता यार ऐसे मत दो यार तुम तो उन्होंने बताया कि हम जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन रहे उसकी एक्सपर्टीज ले कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे सब्जेक्ट के दौरान जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ या फॉर ग्राफ से ये है वो हमारे बहुत डेप्थ में एक्सपेक्टेड नहीं है अपने को उसका मतलब पता होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन आना चाहिए क्या आना चाहिए एप्लीकेशन सर्दी खासी क्रोसिन लेना इतना पता है ना काफी है तेरे लिए क्योंकि तू तो अगर सबके अंदर डेप्थ में घुसता जाएगा तो तेरा मेन ऑब्जेक्टिव तू मिस कर देगा देगाट इज आपको पता होना चाहिए मेरा ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना और एग्जाम क्रैक करना बच्चे कभी कभी अलग दुनिया में चले जाते इतनी अलग बातें सोच रहे हैं जिसका वास्तविकता से और एग्जाम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और अपना फिफ्टी परसेंट टाइम वेस्ट कर देते हैं मेरे एक मित्र ऐसी नहीं बने वो जब पढ़ते थे तो ऐसे पांच किताबें थर्टी परसेंट कोर्स को सेवन टाइम लगा देंगे और बच्चे सेवेंटी परसेंट को निपटाएंगे थर्टी परसेंट तो मेरे को कभी कभी समझाना पड़ता है इनडेप्थ मतलब क्या इनडेप्थ मतलब ये सब्जेक्ट क्या बोलना चाहता है मुझे समझ में आ गया सब्जेक्ट को अप्लाई करो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पा हो ये हो गया इनडेप्थ इससे ज्यादा अंदर घुसे या गलत दिशा में घुसे ये सब्जेक्ट मर सकता है या फिर इसकी वजह से दूसरा सब्जेक्ट मर सकता है ग्रुप मर सकता है क्या बोले है? आप मर सकते हो अरे <laughs> <laughs> भाई ऐसे नहीं मारेंगे ठीक है तो उसका ज्ञान हम लोग लिखेंगे नाउ यहां पे ज्ञान लिखेंगे भाई इनडेप्थ स्टडीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वॉट ऑथर वॉन्ट्स टू से इज मोर इंपॉर्टेंट अगर आपने ये सोच लिया तो कभी कभी वर्ड का मतलब पता नहीं भी रहा आपको तो आप समझ जाते हो कि क्या बोलना चाहता है वॉट ऑथर वॉन्ट्स टू से इसके लिए रीड होल कॉन्सेप्ट या फिर पूरा पेज पढ़ो भले ही कुछ चीज समझ में ना आए डोंट गो इन डोंट गो इन डेप्थ इन अदर एरियाज आप लॉस्ट हो जाएंगे एंड यू विल नॉट बिकम स्पेशलिस्ट ऑफ ऑडिट ठीक है चलिए देखो मैं क्यों मैंने बोला शुरुआत में कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए जैसे अब यहां पे लिखा आप लोगों ने तो यहां से मुझे आपको एक बात समझानी थी सेक्शन 129 है सेक्शन 129 ट्वेंटी नाइन सबसेक्शन टू उससे मेरे को बताना था क्यों मैंने बोला ये अभी कुछ बच्चे यहां पे टेंशन लेना शुरू कर देते अभी मेरे को 129 तो आता ही नहीं मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं मैं बोल रहा हूं कि एनडेप पढ़ नहीं जितना मैं बता रहा हूं उतना काफी है क्लास में मैं जितने गहराई में आपको लेकर गया इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है आया तो पैसे वापस प्रपोर्शनेटली <laughs> जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया मैंने जीएसटी तुमको चाहिए गवर्नमेंट को भी दू तुमको भी दू ध्यान देंगे नॉलिसक्शन सेक्शन ट्वेंटी नाइन सबसेक्शन टू है कंपनीज एक्ट में जो बोलता है सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी के क्या बनवाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एजीएम में पेश करे क्या बनवाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कहा पेश करें एजीएम में 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन टू बोलता है एजीएम में जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किए जाएंगे उसका क्या होना चाहिए ऑडिट अब ध्यान सुनो एजीएम होती हर साल एजीएम होती हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होंगे हर साल मतलब ऑडिट होगा हर साल एंड दैट्स वाइड इट इज मैंडेटरी टू ईच एंड एवरी कंपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड स्मॉल कंपनी एनी कंपनी एनी एनी कैपिटल आर नो नो एट ऑल सभी कंपनी को ऑडिट लगता है एक कंपनी बनी मतलब एक असाइनमेंट तैयार हो गया चार्ड अकाउंटेंट के लिए उसने एक ट्रांजैक्शन नहीं भी किया होगा तो भी डॉमेंट कंपनी फॉरेन कंपनी सबको ऑडिट लगता है ईच एंड एवरी कंपनी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए एक्सेप्शन है ही नहीं मुझे पता नहीं तुम कैसे पढ़ के आए अरे सर हम तो बता रहे थे सर और ओके नाउ कंपनीज एक्ट में कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है जो बताता है एप्लीकेबिलिटी को लेकर लेकिन बाकी सेक्शंस पढ़ के हम समझ सकते हैं वंस अगेन कहा लिखा हुआ एजीएम में पेश करना पड़ेगा सेक्शन 129 ट्वेंटी नाइन सबसेक्शन टू कहां लिखा है ऑडिट करना पड़ेगा सेक्शन 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन टू दोनों को अगर हम कंबाइन पढ़ेंगे समझ में आता है एजीएम हर साल फाइनेंशियल डिपेंड हर साल तो टॉल्ट होगा हर साल देखो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है एग्जाम में अगर पूछा होता तो वहां पे लिखा होता ना एक एमसीक्यू है इससे आपको नोट्स में हर चीज का इंपॉर्टेंस समझेगा इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं ये एक बार पढ़ के निकाल देना है ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन मुझे पता है बेसिक है बच्चों के मन में डाउट आता है इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं ओके ध्यान देंगे ना लिसन ना वी नो अबाउट एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी के बारे में हमको पता चल गया ना वी गो हैड एक लॉजिक से पढ़ेंगे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑडिट कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है फिर समझे कि उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 141 सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 141 और इसमें लिखा हुआ है आपके क्वालिफिकेशंस क्वालिफिकेशंस के बारे में और किसके बारे में डिसक्वालिफिकेशन के बारे में क्वालिफिकेशंस मतलब क्या कौन ऑडिट कर सकता है और डिसक्फिकेशन कौन ऑडिट नहीं कर सकता इसमें चार सबसेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसेक्शन वन टू थ्री फोर सबसेक्शन वन में लिखा है हु कैन डू ऑडिट कौन कर सकता है सबसेक्शन टू में हु कैन लीड एंड साइन उसके बारे में लिखा है विल सी सबसेक्शन थ्री में डिस्कालिफिकेशन और सबसेक्शन फोर में वेन टू अप्लाई disqualification और बहुत सिंपल सिंपल सा है आपने लॉ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपको याद होगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चलिए मुझे कौन बताएगा सबसेक्शन वन के हिसाब से हु कैन डू ऑडिट हु कैन डू ऑडिट चार्ट अकाउंटेंट सीए में कर सकता है ऑडिट सीएस कर सकता है फाइनेंस ग्रेजुएट सी एफ ए सिर्फ होनार बुद्धिमान शक्तिमान व्यक्ति ट्रस्ट वर्दी नॉलेजेबल ट्रस्ट वर्दी कौन कर सकता है सी ए एक बंदा नया नया सी ए बना ठीक है सर आपका नाम पीछे बैठे क्या संयोग, संयोग, नया नया सी ए बना है बराबर CA बनता है सीए बनने के बाद आपको पता होगा कुछ ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है मेंबरशिप नंबर लेता है कैन यू डू कंपनी ऑडिट कैन यू डू कंपनी ऑडिट आंसर इज नो उसको लेना पड़ेगा सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सेक्शन 141 फोर्टी वन सबसेक्शन वन के अंदर लिखा हुआ है इंडिविजुअल चार्ट अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है कंपनीज एक्ट में लिखा है जहां जहां पे कौन सा वर्ड आता है चार्ड अकाउंटेंट इट वुड मीन चार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस मतलब उसके पास क्या होना चाहिए सीओपी संयोग सीए बनने के बाद में भी जब तक वो सीओपी नहीं ले सकता तब तक वह ऑडिट कर नहीं सकता नो गाइज सबसेक्शन वन के हिसाब से सीए जिसके पास में क्या है सीओपी वो ऑडिट कर सकता है इसके बाद में पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म क्या पार्टनरशिप फर्म ऑडिट कर सकती है यस नो यस नो लेकिन शर्त है मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सी हैविंग सीओपी सबसेक्शन वन में लिखा है एक प्रोपराइटर सीए जिसके पास में सीओपी वो ऑडिट कर सकता है पार्टनरशिप फर्म जहां पे मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर सी हैविंग सीओपी ठीक है नाउ पहला सवाल है आप लोगों से सिर्फ इंडिविजुअल्स जो प्रोपराइटर्स है वो ऑडिट कर सकते हैं और जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो ऑडिट कर सकती है चार्ट अकाउंटेंट्स कंपनी बनाकर ऑडिट क्यों नहीं कर सकते चार्ट अकाउंटेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर ऑडिट क्यों नहीं कर सकते आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी इसलिए तो क्यों लेकिन मैं जानना चाहता हूं आप ये एक सेक्शन के वजह से जहां देखो वहां पे अक्रॉस इंडिया आप देखोगे बोर्ड लगे होते हैं अकाउंटेंट्स की और वहां पे लिखा होता है या तो वो प्रोपराइटर है या तो वो पार्टनरशिप फर्म है पार्टनरशिप फर्म दोनों ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म अंडर 1932 या फिर अंडर एलएलपी एक्ट दोनों भी जब मैं फर्म की बात करूं दोनों भी ट्रेडिशनल भी हो सकती है या फिर फिर एलएलपी भी हो सकती है लेकिन ऐसा क्यों अनलिमिटेड लाइबिलिटी ओके ओके मेरा सवाल यह था कि इन्होंने इतने सारे अलग अलग एंटिटी सिर्फ दो ही एंटिटीज अलाउ किए तो आप लोग बिल्कुल सही दिशा में हो अकाउंट्स एंड ऑडिट आर फेरी सेंसिटिव सेंसिटिव आर वेरी आपको पता है कैशबुक अगर है क्या है कैश बुक कैश बुक की टोटल आई थी सत्रह पेमेंट साइड की सत्रह लाख तीस हजार अगले पेज पे कैरीफॉर में लिखा सत्रह लाख अस्सी हजार अरे दो साइड होती ना रिसीट और पेमेंट कितना आई थी टोटल सत्रह तीस और अगले इसमें क्या सत्रह अस्सी पेमेंट साइड को बढ़ा दिया कितने से पचा, पचास हजार से बैलेंस कितने से कम हो जाएगा पचास हजार से उतना कैश निकाल लो गले से किसी को पता नहीं चलेगा टोटल में आपने एक जगह पे तीन का वो हसरा है डर लगता है मेरे को आपने परचेस अरे सबको समझा क्या परचेस साइड में आपने तीन का क्या कर दिया आठ पेमेंट साइड आपने कितने से बढ़ाया पचास हजार से बैलेंस कितने से कम हो गया पचास हजार उतना पैसे निकाले इट्स वेरी सेंसिटिव अकाउंटेंट लोग चाहे तो हजारों लाखों करोड़ों की हेरा फेरी कर सकते हैं पलक झपकते ही सिर्फ तीन का आठ करना पड़ा और वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट क्योंकि अगर वाउचर से चेक करोगे तो हर ट्रांजैक्शन सही है कैशबुक में 200 पेजेस है 200 में से 199 की टोटल सही है सिर्फ एक टोटल में खेला है अकाउंट्स एंड ऑडिट आर सो सेंसिटिव पलक झपकते से बहुत फ्रॉड हो सकते सबसे भरोसेमंद पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर सबसे भरोसेमंद आपको व्यक्ति कहीं चाहिए दैट इज अकाउंट्स और उसको चेक करने वाला ऑडिटर और जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग चीज आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे जब प्रोपराइटर साइन करता है सीधे सीधा जिम्मेदारी सर पे आती है कुछ भी गलत हुआ तो तू जेल जाएगा जब पार्टनरशिप फर्म में साइन कौन करता है पार्टनर सीधा जेल तू जाएगा इसलिए सिर्फ दो को अलाउ किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि जिम्मेदारी डायरेक्टली सर पे आए जिम्मेदारी से काम करे ओनली प्रोपराइटर खुद के नाम पे साइन करेगा पार्टनरशिप फर्म पार्टनर खुद साइन करेगा जिम्मेदारी अपने सर पे ले हमको आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी नहीं चाहिए कि कंपनी का स्टैंप लगा और आगे बढ़ गए नहीं तो लोग क्या काम करेंगे फ्रॉड करेंगे कंपनी के नाम से बंद करो कंपनी दूसरी कंपनी खोलते फिर दूसरी कंपनी खोलते बोले नहीं तो फाइनल लॉजिक इज बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव बहुत सेंसिटिव इसे किसको अलाउ करो प्रोपराइटर एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ठीक है क्विकली छह पार्टनर्स है उसके अंदर एक सीएस है एक सी है एक लॉयर है तीन चार्ड अकाउंटेंट्स हैविंग सीओपी कैन दे डू ऑडिट यस नो यस नो यस नो यार ये तो मैं मेरे को लगा तुम इसमें तो, इस तो फंसोगे नहीं मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कोई नहीं फंसेगा इसमें कैसी बातें कर रहे हो यार छह में से तीन लोग कौन है सी एस सी एम ए और लॉयर चार छ इट मेजोरिटी मीन्स मोर देन फिफ्टी परसेंट करेक्ट इन करेक्ट में आएगा एमसीक्यू में आएगा मेजोरिटी का नहीं भाई अपने को मोर देन फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट नहीं होता मेरे भाई इट इज मोर देन फिफ्टी परसेंट एग्जैक्टली सेम के सूत्रेगा एग्जाम में एग्जैक्टली exactly सेम लिख के रखो सिर्फ अटेम्प्ट फिक्स नहीं है बराबर देखो ऑडिटर खुद को कवर कर लेता कवर करना बहुत जरूरी है ओके okay. अब आगे सुनो अकाउंट्स और ऑडिटिंग के चैंपियन कौन है चार्ट अकाउंटेंट्स तो ऑडिट इसलिए किसने करना चाहिए चार्ट अकाउंटेंट्स हमारे पार्टनरशिप में सपोज अपनी पार्टनरशिप फर्म है ठीक है सात लोगों की चार सी ए हैविंग सीओ पी साथ में कंपनी सेक्रेटरी भी है सी डब्ल्यू ए भी है और लॉयर भी है हो सकते हैं अभी नया आपको मैं बता दू वेरी रिवोल्यूशनरी चेंज इज हैिंग इन ऑडिटिंग पहली बार इतने सालों में मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म आ रही है यू गाइज विल बी अमंग्स द फर्स्ट टू एक्सप्लोर दीज फॉर्म्स अभी आप देखो हर जगह पे तो आपको सी ए फॉर्म्स मिलती है यस yes, नो no? सारे पार्टनर्स कौन है सी ए पता है क्यों क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 में लिखा था ऑल द पार्टनर शुड बी सी एविंग सीओपी फिर अभी नई सोच ये बोलती है क्लाइंट एक फर्म में गया उसके सारे काम होने चाहिए अकाउंट्स का भी काम ऑडिट का भी काम लॉ का भी जो भी सारे काम एक जगह पे हो जाने चाहिए उसके इससे बोलो कॉन्सेप्टे मल्टी डिसिप्लिनरी सी अकाउंटेंट भी उधर बैठा है लॉयर भी इनफैक्ट आर्किटेक्ट भी उधर बैठा है जो बंदा बड़ी प्यारी फर्म डिजाइन कर लेगा विथ ऑल प्रोफेशनल्स वो अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस दे पाएगा बेस्ट तब आपके फर्म में बाकी लोग भी बैठे और फर्म को कोई भी पार्टनर रिप्रेजेंट कर सकता है इन जनरल कोई भी पार्टनर रिप्रेजेंट कर सकता है इन जनरल क्या कंपनी सेक्रेटरी लीड कर सकता है ऑडिट को साइन मार सकता है येस yes, नो no. अरे क्या मतलब है यार वो लॉ का एक्सपर्ट है वो अकाउंट्स का ऑडिट कर रहा है क्या मतलब है क्या सीएम है वो तो कॉस्ट अकाउंटेंट है लॉयर तो चांस ही नहीं कुछ आर्किटेक्ट उसको तो डेबिट और क्रेडिट ही नहीं समझता इसीलिए सबसेक्शन टू में लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन टू में लिखा हुआ है पर्सन केस ऑफ फर्म्स प्रोपराइटर में तो एक ही बंदा है सवाल ही नहीं उठता के केस में जो पर्सन ऑडिट लीड करेगा और वही बंदा साइन करता है साइन करेगा जिसने काम किया वही बंदा साइन करता है जो बंदा साइन करेगा ही शुड बी सी हैविंग सीओपी लेट्स फ्रीज बड़े प्यारे से क्वालिफिकेशन एंड करते हैं सबसेक्शन वन में लिखा है कौन कर सकता है सी हैविंग सीओपी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म जहां पे मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर सी हैविंग सीओपी दी में लिखा है लीड कौन करेगा सी हैविंग हैविंग सीओपी साइन भी कौन करेगा सी सीओपी अभी हम नहीं देखा लेकिन हम लोग बिल्कुल बाकायदा एनुअल रिपोर्ट के अंदर सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायंस में क्या होता है टाटा में क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे ठीक है क्या इसमें क्लैरिटी आपके मन में देखो एक बार इसके बाद में हम जो बेयर टेक्स्ट है वो भी रीड करेंगे सबसेक्शन वन चार्ट अकाउंट हैविंग लिखा हुआ है सीओपी पार्टनरशिप फर्म मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सी हैविंग सीओपी ओनली पार्टनर हु आर सी यू कैन परफॉर्म ऑडिट ऑडिट एंड एंड साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट और सेक्शन टू क्लास सेवनटीन में लिखा है कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड जहां जहां पे सीए लिखा जाए उसका मतलब होगा सीए हैविंग सीओपी ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है देखो भैया दोस्त है अपने बच्चे कभी चेंज होते बेस्ट टू बेस्ट भैया चेंज नहीं होते लेसन ये सीओपी है अ वेरी ट्रेजर्ड थिंग आज से कुछ सालों बाद कितने लोगों को प्रैक्टिस में उतरना है आज से कुछ सालों बाद आपके ऑफिस के अंदर सीओपी पी रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस गिवन बाय सी इंस्टीट्यूट मैंने भी गूगल से लिया है मेरा खुद का नहीं है सर्टिफिकेट प्रैक्टिस ऐसा मिलता है उसके बाद ही आप ऑडिट कर पाएंगे ठीक है ओके okay, गाइस अब कौन कर सकता है वो समझ में आ गया लेकिन अभी हम लोग बोल के आए थे ऑड इट इज अ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी इंडिपेंडेंट तो ऐसे लोग जो डिपेंडेंट है कंपनी के ऊपर उनको उठा के डिस्कालीफाई करना पड़ेगा ताकि वो लोग ऑडिट कर नहीं पाए इसलिए डिस्कालिफिकेशन है कौन से सबसेक्शन है सबसेक्शन थ्री एंड सबसेक्शन फोर सबसेक्शन थ्री हमको क्या बताता है डिसक्वालिफिकेशन सबसेक्शन फोर क्या बताता है? वेन टू अप्लाई डिसक्वालिफिकेशन अब मैं सबसे पहला सवाल आप लोगों से कर रहा हूं ठीक है सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए ध्यान से सुनिएगा आप लोगों ने सुना होगा किसी ने नहीं सुना होगा चिंता ना करे कि अगर ऑडिटर सपोज एक बहुत हेवी लोन ले ले, पचास लाख का कंपनी से कितने का पचास लाख का तो उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ गया किसका कंपनी का क्या वो निष्पक्ष होकर अपनी रिपोर्ट दे पाएगा अगर इतना हेवी लोन ले लिया तो मैं तेरे रहमो क्रम पे चल रहा हूं तू जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा बंदा क्या हो जाएगा डिसक्वालीफाई हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में अब मैं आपको एग्जाम्पल पूछ रहा हूं आप मुझे बताएंगे ध्यान सुनना एक जनवरी 2023 को चार्ट अकाउंटेंट ने पचास लाख का लोन लिया कितने का लोन लिया पचास लाख जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर कौन सा बाईस तेईस कौन सा बाईस तेईस और तीन महीने गुजरे अप्रैल मई, जून फाइनेंशियल कौन सा तेईस चौबीस थर्टी जून को उसने पचास लाख का रिपेमेंट कर दिया लोन कब लिया एक जनवरी रीपे कब किया तीस जून तीन महीने पिछले साल के पिछला फाइनेंशियल ईयर यस नो तीन महीने करंट फाइनेंशियल ईयर पंद्रह जुलाई को उसको अपॉइंट कर रहे हैं एज अ ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर यह समझा क्या ये अपॉइंटमेंट सही होगा यस नो यस नो एक बंदा जिसने कंपनी से 50 लाख का लोन लिया है छह महीने तक वो दबा पड़ा था फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर तीन महीने पिछले साल के तीन महीने करंट ईयर के उसने रीपेमेंट किया उसके बाद उसको पंद्रह दिन के अंदर अपॉइंट कर रहे हैं फॉर ऑडिटर फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर से टू ऑडिटर है क्या यह अपॉइंटमेंट सही होगा यस yes, नो no. कितने लोग बोलते हैं कि नहीं अपॉइंटमेंट सही नहीं है कितने बोलते सही अपॉइंटमेंट ओके सो वी हैव मिक्स्ड अपॉइंटमेंट बिल्कुल सही नहीं है कि है अपॉइंटमेंट बिल्कुल सही है नो प्रॉब्लम एट ऑल अनर्थ है सर क्या बोल रहे हो आप लिसन केयरफुल नाउ लिसन केयरफुल इसलिए लॉ के वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है सेक्शन 141, फोर्टी वन सबसेक्शन फोर बोलता है डिसक्वालिफिकेशन की जितनी भी कंडीशंस आप पढ़ते हो उसको लगाना है ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पंद्रह जुलाई को पूछो खुद से क्या वो चार्ड अकाउंटेंट के ऊपर लोन था पंद्रह जुलाई को उसके ऊपर लोन था क्या पंद्रह जुलाई को जब से उसको ऑडिटर की जिम्मेदारी मिली उस दिन वो एकदम न्यूट्रल था अनबायस था बिना किसी प्रेशर में था बिना किसी प्रेशर में था बंदा एब्सल्यूटली फाइन क्विकली डिस्कालीफिकेशन कब लगाना है ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई बंदा डिस्कालीफाइड हो दैट विल बी वॉइड एब इनिश्योर गलत अपॉइंटमेंट हो गया और अगर अपॉइंटमेंट के बाद बंदा डिस्कॉलीफाई होता है तो ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑडिटर लिखते हैं फिर उसका क्लासिक एग्जाम्पल भी दूंगा एक सबसे पहले सबसेक्शन थ्री के बारे में लिख रहा हूं मैं सबसेक्शन फोर के बारे में देखो लॉ का क्या सीक्वेंस है वो लॉ में रहने दो हमको वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे दिमाग में एब्सोलूट क्लैरिटी जनरेट करे और हमको इस काबिल बनाए कि हम केस स्टडीज को सॉल्व कर पाए सबसेक्शन अच्छा कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है सेक्शन सबसेक्शन का अपने ऑडिट के कोर्स में चिन्नू मिन्नू 139 से 148 अपने आप पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं आपको कोई अलग से एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है और बड़े आसानी से सबसेक्शन भी याद हो जाएंगे हाँ रूल नंबर याद नहीं करने के मेरे को भी बख्शो खुद को भी बख्शो हर जगह पे लिख देना एज पर सेक्शन सबसेक्शन दिस एंड कार रूल्स कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 बस मैं सच बता रहा हूं रूल नंबर याद रखने को मत जाओ उत्ताच आदमी ने खाना जितना डाइजेस्ट कर सकता जो डाइजेस्ट नहीं कर सकता उसको खाने का नहीं रूल नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट मैं आपको बताऊं इंस्टीट्यूट ने साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन नंबर बच्चे ने नहीं भी लिखे तो चलेगा लेकिन हां जो सज जो इंस्ट्रक्शन आते हैं बट रियलिटी सेक्शन नंबर लिखने से आंसर में वजन आता है तो लिखना चाहिए ह्यूमन टेंडेंसी है जैसे ही सेक्शन सेक्शन देखा पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि इसके पास एकदम सटीक नॉलेज है मन से फेक नहीं रहा है सेक्शन फोर में वेन टू अप्लाई Disqualification, when to apply bolo, yeah when to check disqualification at the time of appointment at the time of appointment and after अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट के दिन और उसके बाद देखना है अगर अपॉइंटमेंट के दिन डिस्कालीफाइड है इफ डिसक्वालिफाइड तो अपॉइंटमेंट गलत बंदे का हुआ मतलब अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं वाइड एब इनिशियो उस मोमेंट से उस दिन से यह अपॉइंटमेंट गलत है ऐसा माना जाएगा वॉइड एप इनिशियो अगर अपॉइंटमेंट के बाद बंदा अगर डिसक्वालिफाई होता है इफ डिसक्वालिफाइड अगर डिस्क्वालीफाइड होगा तो ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक रिमूवल फ्रॉम पोस्ट ऑफ ऑडिटर ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑडिटर ठीक है अब मैं एक पैरल एग्जांपल देता हूं किसको एग्जांपल में लेंगे किसको एग्जांपल में लेंगे अच्छा सर खुद ही रेडी हो रहे तुम सर आपका नाम ध्रुव तो ध्रुव हमारा होनार बुद्धिमान शक्तिमान क्या कुछ भी बोलने के पहले थोड़ी तारीफ कर देना तो ध्रुव पढ़ लिख के सीए बन गया है कमाने लगा है, और ध्रुव शादी कर रहा है शादी वो कर रहा है मजा इनको आ रहा है, तो शादी कर रहा है सीधा पैरल एग्जाम्पल इतना सटीक एग्जाम्पल है जैसे अपने एग्जाम्पल अपन पैरल एग्जाम्पल इतने सटीक देंगे कि दिमाग में क्लैरिटी आ जाए जैसे डॉक्टर वाला एग्जाम्पल था बनाया भगवान ने चेक कौन कर रहा है डॉक्टर तो क्या देंगे ओपिनियन यहां पे तो ऑर्डर भी क्या रहता है इसलिए ओपिनियन अब यहां पे शादी के दिन अगर ध्रुव के मन में कोई और है गलत बात बोले सर मैं ऐसा थोड़ी हूं तू ही बोला मेरे को बनाओ <laughs> कोई और है तो इट विल बी वॉइड एब इनिश अच्छा शादी जब की तब बहुत प्यार था शादी के चार पांच साल बाद अब कोई और अच्छी लगने लगी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हस्बैंड एग्जैक्टली मैच होता है किससे ऑडिटर से ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर वो डिस्कालीफाई होगा तो वॉइड ऑफ इनिशियो नहीं तो फिर ऑटोमेटिक रिमूवल इसी का मतलब सुनो ध्यान से एक दिन पहले तक क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता समझ ले खत्म कर देना और आजकल पहला सब का सबका रहता है कुछ बच्चे सर मैं तो लुखाई ही तभी तो टाइम है शादी को बीच में कुछ ना कुछ छोटा मोटा हो ही जाता है बराबर एक्सपीरियंस सही बोल रहे हैं <laughs> सही बोल रहे हैं बराबर तो इट इज ूटली फाइन अच्छा इसमें यह भी आपने उस फाइनेंशियल ईयर में क्या किया उससे भी कोई मतलब नहीं है एग्जैक्टली ये किस एग्जाम में आया था उस फाइनेंशियल ईयर उस फाइनेंशियल ईयर के तीन महीने सीए के सर के ऊपर क्या था लोन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है अगर लॉ में ऐसी वर्डिंग्स होती है कि चेक डिस्कालिफिकेशन फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ईयर तो कहानी बदल जाती है लेकिन ऐसा नहीं लिखा है वहां पे लिखा है ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट समझ रहे हैं आप लोग इसीलिए वो फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है ठीक है नाउ अपने नोट्स में आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है सब छाप के दिया है डिस्कालिफिकेशन शुड बी चेक द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर द डेट ऑफ अपने इंपॉर्टेंस कितना है समझ में आ जाता है एक क्वेश्चन तीन एमसीक्यू है वहाँ पे एमसीक्यू नंबर भी दिया अपन देखेंगे आज ही शाम को मैं गूगल शीट शेयर करूँगा हर एक गूगल शीट रहेगी हर लेक्चर के अंदर आपने लेक्चर नंबर उसमें कौन सा चैप्टर कौन सा पार्ट पढ़ा कितने पेजेस कितने कॉन्सेप्ट उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन एम क्या है उसकी लिंक पूरी एक शीट पर आपको मिलेगी जो आप शाम को इससे पहले कि आपका आखिरी लेक्चर ख़त्म हो वो अपडेट हो जाएगा Now, और यहां पे आई लिखा है मतलब इसका मतलब है इंटीग्रेटेड केस स्टडीज तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी नंबर फोर्टी नाइन है उसका पहला क्वेश्चन इसके ऊपर है लेट्स सी गिसक्वालिफिकेशन शुड बी चेक्ड शुड बी चेक एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इट डजेंट मैटर वेदर ऑर्टर वॉज डिस्कालीफाइड बिफोर अपॉइंटमेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता If person is disqualified at the time of appointment, appointment is invalid or void ab initio. He gets disqualified after and if he takes this comma. If he gets disqualified after appointment, then he is automatically removed from the office of auditor. He ceases to be auditor of the company. Is this point clear, guys? Okay. Now. सबसेक्शन तीन में नो डिसक्वालीफिकेशन कितने नो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है डिस्क्वालिफिकेशन से अब मैंने आपको पहले ही बोला हम सेक्शन नंबर याद रखेंगे और सबसेक्शन याद रखेंगे क्लॉजेस के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले नहीं है ना रूल नंबर क्योंकि मैंने बोला जो तुम डाइजेस्ट नहीं कर सकते उसमें घुसने की जरूरत नहीं है कह नहीं है नो शॉर्टकट बनाया हुआ है ये सिर्फ एक मात्र चैप्टर है जिसमें हमने निमोनिक बहुत ज़्यादा यूज़ किए निमोनिक और थोड़े चार्ट्स अलग अलग तरह के नहीं तो बाकी जगह हम स्टोरीज और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं डांस शोज देखे आप लोगों ने यस नो कौन हो भाई अबे द... रियलिटी शो आते टी टीवी पे बराबर वो डांस दान... डांस इंडिया डांस वो भी नहीं देखा कौन से ग्रह से हो चलो तो वहां पे आपको पता है कि डांस प्रॉप्स होते हैं प्रॉप्स कभी डांस करने के लिए चेयर फेयर कुछ भी देते हैं देखो शॉर्टकट जितना याद शॉर्ट उतना याद रहेगा। इन बिग प्रॉप्स देर इज चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर क्विकली क्या शॉर्टकट है इन बिग प्रॉप्स देर इज अ चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर एक एक के अंदर हम लोग घुसेंगे बी स्टैंड फॉर बिजनेस रिलेशनशिप अगर सीए का कंपनी के साथ में क्या है बिजनेस रिलेशनशिप तो बंदा क्या हो जाएगा डिसक्वालीफाइड पी स्टैंड फॉर प्रोहिबिटेड सर्विसेज अगर सी ए बड़ी बड़ी सर्विसेज देगा कंपनी के साथ उठेगा बैठेगा फिर जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा डिसक्वालिफाइड आर स्टैंड फॉर रिलेटिव सी ए का रिश्तेदार अगर बड़ी पोस्ट पे बैठा है तो वापस क्या हो जाएगा डिसक्वालीफाइड एक एक के अंदर बाद में जाएंगे ओ स्टैंड फॉर ऑफिसर और एम्प्लॉय सी ए अगर सीए अगर कंपनी का ऑफिसर है कंपनी को चला रहा है तो क्या हो जाएगा डिस्कालीफाइड एम्प्लॉय कंपनी के रेमो कर्म पे चल रहा है क्या हो जाएगा डिस्कालीफाइड पी स्टैंड फॉर पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय एक एक को हम आगे सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहा हूं अगर सीए ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर है वाह बेटा इतना क्लोज है तू या एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय इतना क्लोज है तू वापस क्या हो जाएगा डिसक्फाइड एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पैसा लगाओगे तो डिसक्वालिफाइड पैसा लोगे तो डिस्कालीफाइड सबके डेप में जाएंगे अभी सिर्फ शॉर्टकट पर ध्यान दे रहे सीलिंग लिमिट होती है मैक्सिमम कितने ऑडिट कर सकते हैं उसके ऊपर जाओगे तो डिस्कवालीफाइड अगर कॉर्पोरेट फॉर्म कंपनी बनाकर ऑडिट कर नहीं सकते डिसक्वालिफाइड एफ स्टैंड फॉर फ्रॉड अगर फ्रॉड क्या दस साल के लिए डिसक्वालिफाइड क्विकली शॉर्टकट क्या था इन बिग प्रॉप देर इज अ चैलेंज एंड देर इज अ चांस ऑफ फेलियर बी फॉर बिजनेस रिलेशनशिप पी फॉर प्रोहिबिटेड सर्विसेस आर फॉर रिलेटिव ओ फॉर ऑफिसर और एम्प्लॉय पी फॉर पार्टनर और ऑफिसर ऑफ पार्टनर ऑफिसर और एम्प्लॉय एस फॉर सिक्योरिटीज सी फॉर सीलिंग लिमिट सी फॉर कॉरपोरेट एफ फॉर फ्रॉड ना हो पहला डिस्कालिफिकेशन अब अंदर घुस रहे हैं अब मैं आपको बताऊं और हम लोग इसकी थेरी पढ़ेंगे विल सी द टेक्स्ट आल्सो एक बार इसका पूरा डिस्कशन करने के बाद ले अपने नोट्स में पहला पार्ट ये पूरी समरी और चार्ट है दूसरा टेक्निकल लैंग्वेज है वो भी अपन पढ़ेंगे उसको लिखेंगे भी अपन फिर ना सर पहला कितने डिस्कालिफिकेशन मैंने बोले नंबर वाइज नौ no. पता है इसमें सबसे खास बात क्या है सारे नौ डिस्कालीफिकेशन में नंबर ऑफ कंपनीज चेंज हो रही है तिलसी और इसको याद रखने का एक ही तरीका है ये वाला जो चार्ट आपके दिमाग में रहेगा लिखेंगे तो अलग से हम चार्ट दिमाग में बैठ गया तो बात बन जाएगी लेट्स बी स्टैंड फॉर अरे बी स्टैंड फॉर बिजनेस रिलेशनशिप सेक्शन 141 फोर्टी फन सबसेक्शन थ्री क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर सी ए अगर सी ए या सी फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप निकलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितने कंपनियों के साथ छे जिस कंपनी को हो रहा वो या फिर उसकी होल्डिंग या उसकी सब्सिडरी या फिर उसकी एसोसिएट या एसोसिएट की सब्सिडरीज अगर सीए का बिजनेस रिलेशनशिप निकला उसके फॉर्म का बिजनेस निकला कंपनी के साथ या कंपनी के होल्डिंग के साथ या उसकी सब्सिडरी या उसकी को सब्सिडी या उसकी एसोसिएट या एसोसिएट की सब्सिडरी छह में से किसी के भी साथ तो सीए क्या हो जाएगा तो सीए क्या हो जाएगा डिसक्वालिफाई किधर भी जुड़ो तुम छह कंपनियों से तुम किधर भी जुड़ो तुम क्या हो जाओगे डिस्कालीफाइड नो लिसन गाइस अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं ठीक है एक एक करके सी का मतलब समझते हो यस एग्जाम पास करो आर्टिकलशिप कंप्लीट करो यू आर सी ए और साथ में क्या ले सी पी तो पार्टनरशिप फॉर्म यस डायग्राम में दो चीज तो है समझ में आती है अगला बड़ा प्यारा वर्ड है कौन सा बिजनेस रिलेशनशिप अब आप मुझे बताएंगे आंसर एक चार्ट अकाउंटेंट कंपनी के शोरूम में जाकर कपड़े खरीदता है पांच हजार रुपए के जिस कंपनी का वो ऑडिट करने की सोच रहा है पांच हजार रुपए के कपड़े खरीदता है विली गेट डिस्कालीफाइड क्योंकि अभी अभी उसने एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया है विली गेट डिस्कालीफाइड यस नो घर का फर्नीचर खरीदता है दस लाख रुपए का बस मैंने कपड़ों की जगह फर्नीचर कर दिया और प्राइस बढ़ा दी तुम बहुत पलटते हो और फास्ट पांच हजार में नो बोला दस लाख में यस yes. बहुत ही पलटू इधर से उधर फर्नीचर खरीदा अपने घर के लिए विल गेट डिस्कालीफाइड यस नो ओके सब ऑर्डिनरी कोर्स में है सब मतलब उस पर भी आएंगे ओके okay, सब लोग ध्यान देंगे लेसन गाइस बहुत सिंपल बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब है नीचे दिया है बिजनेस रिलेशनशिप मतलब सब वहां पर भी नो 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 बोल रहे ऑनलाइन वाले पांच लाख तक का ओके नाउ बिजनेस रिलेशनशिप मतलब एनी कमर्शियल पर्पस ट्रांजैक्शन कमर्शियल पर्पज ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूं ताकि मैं इससे और पैसा कमा सकूं तो वो कौन सा होगा कमर्शियल पर्पज पर्सनल पर्पस ट्रांजेक्शन नहीं आते किसमें बिजनेस रिलेशनशिप में अपने पर्सनल कंजम्पशन से कितने भी हजारों कितने भी लाखों करोड़ों का माल खरीदू वो कौन सा ट्रांजेक्शन है पर्सनल पर्पज वो किसमें नहीं आएगा बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आएगा इज पॉइंट क्लियर पर्सनल पर्पज आने वाला नहीं है कमर्शियल पर्पज आने वाला है अच्छा एक हाथ ट्रांजेक्शन भी कमर्शियल में आएगा यस yes, एनी अब देखो मैं एग्जांपल आपको देख एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी होगी कंपनी बिल्डिंग बना रही है सीए ने एक फ्लोर रेंट पे लिया रहने के लिए किराया साढ़े तीन लाख रुपए महीना बड़ा सी है तो वो कौन सा हुआ पर्सनल पर्पस एब्सोल्युटली फाइन कौन सा पर्पस हुआ पर्सनल पर्पस यही अगर वो ऑफिस किराए पे ले रहा है साढ़े तीन लाख का तो वो क्या हुआ कमर्शियल पर्पस तो कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा बिजनेस रिलेशनशिप एब्सोल्यूट दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिर्फ कमर्शियल पर्पस ट्रांजैक्शंस आते हैं इसमें पर्सनल पर्पस ट्रांजैक्शन आने वाले नहीं है इट इज पॉइंट क्लियर यस नो ओके अब बिजनेस पर्पस ट्रांजैक्शन तीन तरह के हो सकते हैं कितने तरह के तीन तरह के सुनो बहुत आसान है सीए बोलता है मेरे पास अकाउंट्स का बहुत नॉलेज है टैक्स का बहुत नॉलेज है ऑडिट एफ एम का बहुत नॉलेज है आ कंपनी तेरा सॉफ्टवेयर मेरा नॉलेज ऐप बनाएंगे सॉफ्टवेयर बनाएंगे साथ में मिलकर काम कर रहे साथ में मिलकर काम कर क्या साथ में मिलकर काम करना बिजनेस रिलेशनशिप होगा यस अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं साथ में मिलकर जॉइंट वेंचर बना रहे हैं पार्टनरशिप बना रहे तो ये क्या होगा बिजनेस रिलेशनशिप क्या होगा बिजनेस रिलेशनशिप बंदा क्या हो जाएगा डिसक्वालीफाइड अगर किसी भी कंपनी के साथ साथ में काम किया तो वो बिजनेस रिलेशनशिप हो जाएगा बंदा क्या हो जाएगा डिसक्वालिफाइड अच्छा दूसरा अगर तुम कंपनी के सप्लायर बन गए क्या बन गए सप्लायर तुम गुड सप्लाई कर रहे सर्विसेज सप्लाई कर रहे तो वापस क्या हो जाएंगे आपका बिजनेस रिलेशनशिप यस नो अगर आप प्रोवाइड करेंगे गुड सर्विसेज क्लाइंट को तो वापस आप क्या हो जाओगे बिजनेस रिलेशनशिप लेकिन एक्सेप्शन है इसका दो सर्विस दो लेकिन कौन सी दो सीए रिलेटेड सर्विसेज दो मतलब तुम टैक्स का काम कर सकते हो। सीए रिलेटेड सर्विसेज दो एब्सोल्युटली फाइन लेकिन उसमें भी शर्त है एक्सेप्शन में भी शर्त है कि वो सर्विसेज विच आर नॉट प्रोहिबिटेड विच आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय कंपनीज एक्ट एंड सी एक्ट समझ रहे क्या भाई ओके okay. अगर हम सप्लायर बनेंगे तो क्या हो जाएगा सप्लायर बनेंगे तो क्या हो जाएगा बिजनेस रिलेशनशिप डिसक्वालिफाई हो जाओगे सपोज हम उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे तो डिस्कालीफाइड लेकिन हम उनको क्या सीए वाली सर्विसेज दे सकते हैं yes. यस लेकिन शर्त है इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर विच एक्ट कंपनीज एक्ट एंड सी एक्ट सुनो अभी अपने एक लिस्ट पढ़ने वाले कि वो सर्विसेज कौन सी सर्विसेज है प्रोहिबिटेड जैसे उसमें टैक्स नहीं आता क्या ऑडिटर टैक्सेशन सर्विसेज दे सकता है यस yes. उसमें ट्रेनिंग नहीं आता क्या ऑडिटर ट्रेनिंग सर्विसेज दे सकता है यस yes. कोई प्रॉब्लम नहीं है अरे समझ रहे है क्या देखो बिजनेस रिलेशनशिप तीन प्रकार से साथ में मिलकर काम करना बिजनेस सप्लायर बनना बिजनेस कमर्शियल कस्टमर बनना अगर आप कंपनी के कमर्शियल कस्टमर बन गए कमर्शियल पर्पस की चीज लग गए तो वापस कौन सा रिलेशनशिप लग जाएगा अरे क्या लग जाएगा बिजनेस रिलेशनशिप कंपनी से अपन ऑफिस स्पेस रेंट पे ले रहे क्या हो जाएगा बिजनेस रिलेशनशिप ऑफिस का पूरा फर्नीचर उनसे ले रहे क्या हो जाएगा बिजनेस रिलेशनशिप नाउ नाउ नौ इसका भी एक्सेप्ट अच्छा लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया बोले मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए पानी भी पिया तो फंस जाएंगे इसने थोड़ा सा रियायत दी है बोले क्या ध्यान सुनो लास्ट थिंग इसको खत्म करने के बाद लॉ ने बोला रहमदिल अगर कंपनी तीन इंडस्ट्री में है, तीन मिनट चार अगर कंपनी चार इंडस्ट्री में है, उसको मैं बोलता हूं हैट इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री हैट एच फॉर हॉस्पिटल एच फॉर होटेल ए फॉर एयरलाइंस टी फॉर टेलीकम्युनिकेशन अगर कंपनी होटल चला रही है हॉस्पिटल चला रही है एयरलाइन चला रही है टेलीकम्युनिकेशन चला रही है या ऐसी सर्विसेस होटल है तो रेस्टोरेंट भी चलेगा हॉस्पिटल है तो क्लिनिक भी चलेगा एयरलाइन है तो हेलीकॉप्टर भी चलेगा टेलीकॉम है तो ब्रॉडबैंड भी चलेगा अगर कंपनी इतने बेसिक नेसेसिटीज में काम कर रही है होटल हॉस्पिटल एयरलाइन टेलीकम्युनिकेशन इसके पास अगर सीए जाए ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जैसे बाकी कस्टमर जाते हैं और उतनी कीमत में खरीदे जितना बाकी कितने उसको बोलते फेयर प्राइस उसको बोलते हैं फेयर प्राइस उसी को बोलते आर्म्स लेंथ प्राइस इन दोनों ने अपने पर्सनल रिलेशंस को ऑफिशियल रिलेशन को बाजू में रखकर सही प्राइस पे सौदा किया है उसको बोलते आर्म्स लाइन प्राइस सुरक्षित अंतर ठेवा अनिमक सौदा करा ऐसा चाहो उसको क्या बोलते आर्म्स लेंथ वापस ध्यान सुनेंगे साथ में धंधा किया डिस्वालीफाइड साथ में धंधा किया डिस्कालीफाइड सप्लायर बने डिसक्सेप्शन सी ए रिलेटेड सर्विसेड अगर आप कस्टमर बन गए डिस्कालीफाइड एक्सेप्शन कौन सी इंडस्ट्री हैट लेकिन उसमें भी हैट इंडस्ट्री होना चाहिए प्लस वो ट्रांजेक्शन किसपे होना चाहिए ऑर्डेनिक क्रोज प्लस वो कौन से प्राइस होना चाहिए आर्मस लेन प्राइजेस तीनों क्यूमुलेटिव है तीनों क्यूमुलेटिव है ये बात समझी क्या? मैं आपको क्रिस्टल क्लियर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कंपनी के होटल में पार्टी रखी सी एफ ने कंपनी के होटल में पार्टी रखी सी एफ ने क्या एक्सेप्शन में कवर होता है ये yes. लेकिन अगर ऐसा बोला कि उसको फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट दिया बाकी कस्टमर से ज्यादा तो फिर कौन सी प्राइस नहीं है आर्म्स लेंथ प्राइजेस नहीं है या फिर ऐसा बोला कि उनको सर्विसेज बाकी लोगों से बहुत ज्यादा थी तो वो ऑर्डनरी कोर्स नहीं है बात समझ रहे हो क्या ये तीनों कंडीशन अलग अलग है क्यूमिलेटिव है क्यूमिलेटिव है अरे हवा लगी है क्या अगर इस तरह का रिलेशनशिप इस तरह का रिलेशनशिप कितने लोगों के साथ में हुआ छे कंपनी के साथ जुड़े गए उसके होल्डिंग के साथ जुड़े गए सब्सिडरी के साथ जुड़े गए को सब्सिडरी गए एसोसिएट गए एसोसिएट की सब्सिडरी गए होल्डिंग सब्सिडी के लिए कितना परसेंटेज चाहिए बोलो फटाफट कोई भी कंपनी हमारी सब्सिडी कब बनती है वेन परसेंटेज होल्डिंग इज 50 परसेंट और मोर की मोर देन 50 परसेंट की 51 परसेंट और मोर सब्सिडी तब बनती है वेन इट इज मोर देन 50 परसेंट 50 परसेंट नहीं चलता 50.1, 50.2, 51 परसेंट और मोर किसके लिए होता है गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी जहां पे होल्डिंग ट्वेंटी परसेंट और मोर है वो क्या हुआ एसोसिएट लेकिन एसोसिएट में ट्वेंटी परसेंट और मोर है फर्क समझेगा दोनों में कोई भी कंपनी सब्सिडी कब बनती है जब होल्डिंग इज मोर देन फिफ्टी परसेंट एसोसिएट कब बनती है जब होल्डिंग इज ट्वेंटी परसेंट और मोर फटाफट अगर अगर बिजनेस रिलेशनशिप ज्वाइंट वेंचर के साथ है तो जेवी समझता है कि आपको ऐसी जेवी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स कितने भी हो परसेंटेज कुछ भी हो अग्रीमेंट में लिखा है डिसीजन सबकी सहमति से ही होगा शेयर होल्डिंग कितनी भी हो सपोज स्टार्टअप का आइडिया है आपने 90 परसेंट पैसा लगाया मैंने 10 परसेंट अरे मैं दिमाग लगाऊ ना सीनियर भी हो लेकिन हमारे अग्रीमेंट में लिखा है कि डिसीजन कब होगा जब दोनों क्या बोलेंगे हाँ मतलब हमारा क्या है ज्वाइंट वेंचर हमारा क्या है ज्वाइंट वेंचर कंपनी के ज्वाइंट वेंचर के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है डिस्कालीफाई होंगे क्या यस नो ज्वाइंट वेंचर तो कहीं है ही नहीं एसोसिएट वर्ड एसोसिएट वर्ड ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स ज्वाइंट वेंचर एसोशिएट वर्ड ऑटोमैटिकली इंक्लूड वॉट ज्वाइंट वेंचर हमेशा ध्यान रखना पूरे कंपनी कहीं वर्ड भी कौन सा वर्ड आता है असोशिएट इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स ज्वाइंट वेंचर डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब हम पढ़ेंगे आगे अंडर सेक्शन वन फोर्टी फोर अभी आने का है लेट्स फ्री स्टूडेंट्स क्लास हम लोगों ने इंट्रो बैकग्राउंड देखा क्विकली ऑडिट की डेफिनेशन ऑडिट इज सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड इक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म वेदर आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गिव ओपिनियन वेदर आर फाइनेंशियल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इज पॉइंट क्लियर ये नंबर वन पर हम लोगों ने बेस बनाया कॉन्सेप्ट शुरू किया चैप्टर नंबर टेन कंपनी ऑडिट क्या कंपनी ऑडिट मैंडेटरी है यस yes, लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसको इंटरप्रिट कर सकते हैं 141 किसके लिए है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन वन में क्या दिया है क्वालिफिकेशन टू में लिखा है हु विल लीड एंड साइन थ्री में क्या है डिस्कालिफिकेशन फोर में क्या है वेन टू अप्लाई अप्लाई कब करेंगे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट शॉर्टकट क्या था बिग प्रॉप्स फॉर क्या था बिजनेस रिलेशनशिप ये कितने कंपनी था देखना है छे कंपनी होल्डिंग सब्सिडी को सब्सिडी एसोसिएट की एसोसिएट में हमेशा कौन आएगा जॉइंट वेंचर बिजनेस रिलेशनशिप कितने टाइप सकता है? तीन साथ में काम करना सप्लायर बनना कस्टमर बनना एक्सेप्शन किसमें सप्लायर में और किसमें कस्टमर में ठीक है इसकी थेरी कल पढ़ेंगे और ऑडियो आपके ग्रुप पे आ जाएगा चले आज के लिए इतना काफी है सर ऑनलाइन वालों कोई भी मन में सवाल होगा तो पूछ लेना और दो तीन दिन बाद हम ऑडियो पे शिफ्ट हो गए